हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आ गए सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, आ जाइए फास्ट। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, ठीक है? तो कल हम थे कहाँ पे? डीप फाउंडेशन के ऊपर। डीप फाउंडेशन को खत्म करके हम आ गए थे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स पे। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के बाद में हम स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के सेकंड पार्ट पे, हमने कोहेजन लेस सॉइल की स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो हमने देख चुके थे। अब आते हैं कोहेजिव कोहेजिव सॉइल के लिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे आपका सैंपल एन, आपका लास्ट जो है वो है आपका स्टेबलाइजेशन, ठीक है? चले आ जाए। तो क्वेश्चन लगाइएगा बेटा, आप क्वेश्चन लगाइएगा। जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। बिना क्वेश्चन के काम नहीं बनेगा, क्वेश्चन लगाने होंगे। ठीक है, थ्योरी या न्यूमेरिकल बेटा दोनों ही जरूरी है आपको। थ्योरी भी जरूरी है, न्यूमेरिकल भी जरूरी है। जो थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी पे क्वेश्चन लग पा रहे हैं और लग रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लग रहे हैं तो कहाँ दिक्कत आ रही है। कौन सा चैप्टर आपने सही से नहीं पढ़ा उसको दोबारा से पढ़िएगा तो पता भी आ जाएगा उस थ्योरी में कौन सा पॉइंट पढ़ना था जो कि इंपॉर्टेंट था जो हमने मिस कर दिया। पढ़ तो हम लेते हैं पर जब क्वेश्चन आता है तब बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि उसमें से क्वेश्चन क्या पूछने वाला, इसलिए। ठीक है, तो थ्योरी हो चाहे आपका क्या न्यूमेरिकल हो, सारे लगाने आपका जरूरी है, तभी आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ पाएगा। अब आते हैं अपन कोहेसिव सॉइल के ऊपर। रेडी? नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? नौकरी लगेगी, सबकी लगेगी। नौकरी सबकी लगेगी, जितने भी हो सबकी लगेगी। बस अपने खुद पर विश्वास करो, लग जाएगी। ठीक है, अब अपन आते हैं किसके ऊपर? अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चैप्टर है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। कोहेजन लेस सॉइल के लिए हम स्टेबिलिटी देख चुके थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल चुके थे। अब हम आते हैं किसके ऊपर? कोहेजिव सॉइल के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग, आ जाइए फास्ट। सबके लगेगी, अभी नहीं लगेगी, किसी और एग्जाम में लगेगी। जरूरी थोड़ी कि एक ही एग्जाम दोगे आप, ठीक है? जरूरी थोड़ी आप एक ही एग्जाम दोगे, आप तो कई सारे एग्जाम दोगे ना, तो उसकी बात हो रही है। अब ये बात करें शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। एक फॉर्मूला ये था, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का था टो एफ अपॉन में टो। ये कल हमने देखा था टो एफ अपॉन में टो। अगर हम बात करेंगे किसकी? कोहेजिव सॉइल की। कोहेजिव सॉइल की बात करें या फिर हम बात कर देंगे सी फाई सॉइल की। सी फाई सॉइल कोहेजिव में आती है, सिल्ट भी सी फाई सॉइल, ठीक है? क्या हुआ? हाँ आज हो जाएगा, टेंशन ना लो, आज हो जाएगा। ये देखिए सी फाइव सॉइल सर कोहिजन भी होगा और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी होगा। अब इसी के अंदर भी केस ले लेते हैं, जैसे कल लिया था कोहिजिव सॉइल के अंदर कोहिजन लेस कैन ड्राई सॉइल, जिसमें भी ले लो ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल का केस ले लो और लिख दो वैल्यू, लिख दो वैल्यू जल्दी से फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। क्या होगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू लिख दो, क्या होगी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सर ये टो एफ। टो एफ क्या है? सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव डिवाइडेड बाय व्हाट? टो डिवाइडेड बाय व्हाट? टो। टो और सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कल हमने निकाला था, ठीक है? कोहेसिव होगा
तो इस फाई को जीरो कर देना, बात वही है, मैं सी फाई को बता रहा हूँ पूरा फॉर्मूला। तो कोहेसिव जब हो तो कोहेसिव में कोहेजन होता है, फाई नहीं होता तो फाई को जीरो कर देना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट पेज है, क्यों आफ्ताब, क्लियर हुआ। तो सी प्लस सिग्मा एन टेन पाई, सिग्मा एन और नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमें पता थी, पुट कर दो क्या थी, गामा जेड कॉस स्क्वायर आई, यही था इसकी वैल्यू, क्या थी, गामा जेड कॉस स्क्वायर आई टेन फाई। शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू थी गामा जेड कॉस आई साइन आई, गामा जेड कॉस आई साइन आई। देखो क्या बन रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कॉस क्या बन गया, हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन बाई का, तो या तो इस ऐसे ही लिख लो इसको, इसको यही लिख लो, ये फाइनलाइज फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि ये फाइव है और ये मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में भी है इसलिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका एक फॉर्म, जब ड्राई सॉइल होगी। अब बात आती सर कोहेसिव के अंदर, ये आपने बताया सी फाइव के लिए, अगर यही किसके लिए होता, प्योरली कोहेसिव सॉइल मतलब क्ले के लिए होता, तो क्या करते, क्ले में कोहेजन होता, स्टम को जीरो कर देते बस, ठीक है, फॉर्मूला वही है, टॉ एफ बाय टॉ। अब क्या करना है, बस एक बार जो पहला वाला अपन ने समझ लिया था, उसका सेकंड में क्या किया, यूनिट वेट चेंज कर दिया, उसी तरह से इसमें क्या करना है, इसमें सी और फाई का अलग टर्म से बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, हाँ ठीक है। प्योर कोहेसिव के लिए फाई जीरो होगा, यहां तक हो गया नोट सभी का, एक बार चेंज बताओ, क्या चेंज बताएं, चेंज बताना है मतलब, बता दीजिए बेटा, अगर प्योर लिखता है वो पूछता है प्योर कोहेसिव सॉइल की अगर बात करता है तो वो क्या होता है सर, क्ले होता है और क्ले में फाई क्या होता है, जीरो, तो इस इक्वेशन में फाई को जीरो कर देना बस, ठीक है, इस इक्वेशन को जीरो कर देगा, बस इतना ही करना है भाई। जो चीजें हैं वो सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, वेट, ये सब हम निकाल चुके थे कल ही, बस अब उनको ही पुट करना है हर जगह, बस उनको ही पुट करना है। कंडीशन क्या बदलेंगी, अब सिर्फ सी और फाई चेंज होगा और कहीं जगह पे आपका गामा चेंज होगा बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सी और फाई चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, अगर कोहेजन लेस है, और अगर सॉइल ही अलग है मतलब ड्राई किसी के पार्शियल ही है या सैचुरेटेड सबमर्ज है तो उसमें गामा चेंज हो जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब देखिए हम निकाल रहे हैं क्या चीज, क्रिटिकल हाइट, ठीक है। तो लिखिएगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट में लिखिएगा क्रिटिकल हाइट, क्रिटिकल हाइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब वो हाइट, क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ सर, वो हाइट जिसके बाद क्या होगा, सॉइल फेल हो जाएगी, क्रिटिकल हाइट वही हुई, जब तक तो सॉइल स्टेबल है, जैसे ही वो उस हाइट से ज्यादा ऊपर बढ़ेंगे वैसे ही सॉइल मास क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्रिटिकल ग्रेडियंट भी देखा था अपन ने, वो भी वही था कि सर उस ग्रेडियंट के बाद में क्या हो जाएगा, फ्लो करने लग जाएगी सॉइल वाटर के साथ, इसी तरह से क्रिटिकल हाइट सर वो हाइट है जिसके बाद अपना क्या होगा, सॉइल मास फेल कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल हाइट को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्रिटिकल हाइट कैसे कैलकुलेट करें, तो क्रिटिकल हाइट में वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन होगी, क्यों, क्योंकि हमने देखा था ना क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होता है सर, वन होता है, उससे ज्यादा होते ही तो फेलियर हो जाएगा, उससे ज्यादा ही होते ही तो फेलियर हो जाएगा, बात याद आई, पीछे वाली चीजें यहाँ पे भी काम आ रही है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसी की बात कर रहा हूँ, आईसी जैसे ही ज्यादा होगा तो क्या होगा, आई से फेलियर हो जाएगा सर। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू आई होता है, तो मतलब क्या हो गया, वन, मैक्सिमम क्या होगा सर, वन, कम होगा तो अच्छी बात है, मैक्सिमम क्या होगा, वन, वन से ऊपर होते ही क्या हो जाएगा आपका, फेलियर हो जाएगा, ठीक है, वन से ऊपर होते फेलियर हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो अपन ने अभी लिखा था, सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई टेन फाई, ठीक है, और गामा जेड कॉस आई साइन आई, क्लियर हुआ।
ये किसके इक्वल बता रहे हैं हम इसको बोल रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन। कब? क्रिटिकल केस की बात कर रहा हूँ, हमेशा नहीं होगा। क्रिटिकल जब हाइट निकालेंगे तब वन रखेंगे, अदरवाइज वन नहीं रखेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सर कुछ भी आ सकता है, पर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जहां जब भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया वहां 0.99 या 1 के आसपास आ रहा था। ठीक है, देखा कि नहीं दिखा क्वेश्चन सोल्व करके, एक तो मैंने करवाया भी था आपको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई टेन फाई इज इक्व टू गामा जेड कॉस आई साइन आई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद में यही जो जेड है ये क्या हो जाएगा, जब वन रख दोगे तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा, क्रिटिकल हाइट लिख देते हैं। अरे वही तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो आई था वो जब हमने क्या रख दिया था, वॉइड रेशो 2.65। ठीक है, बताया था स्पेसिफिकली 2.65 वॉइड रेशो 0.65, तो अपने आप उस आई को हम क्या लिख दिया था, आईसी। रिकॉल करो चीजों को समझ में आएंगी। तो हमने क्या कर दिया, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ही क्या कर दिया, एच सी कर दिया। कब? जब इसकी वैल्यू वन हो गई, किसकी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। बात आ रही है समझ में? वहां पे आईसी निकाला था, आईसी को सर वो आई ही तो था फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला आई ही तो था, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई ही तो था। उस आई को ही हम क्या लिख देते हैं, आईसी। कब लिखते हैं, जब हम उसको वन पुट कर देते हैं, जब उसको हम क्या कर देते हैं, वॉइड रेशियो का हम पुट कर देंगे, कितना वॉइड रेशियो का हम पुट कर देते हैं आपका 0.65 और स्पेसिफिक ग्रेविटी को 2.65, तो वही चीज आई इज कन्वर्टेड इनटू आईसी हो जाता है। ठीक है, तो वही इसके अंदर भी है कि जब अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को वन कर देंगे तो वो जेड ही क्या हो जाएगी आपकी, क्रिटिकल डेप्थ हो जाएगी, तो एच सी हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा आपका, एच सी हो जाएगा। तो वो एच सी के टर्म्स में निकाल लो, जब एच सी के टर्म में इसको रिजोल्व करोगे तो बताओ क्या आ रहा है आंसर, बताओ क्या आ रहा है। तो ये आ रहा होगा आपका सी डिवाइडेड बाय गामा कॉज स्क्वायर आई ब्रैकेट में 10i-10φ, ये आ रहा होगा सॉल्व करने पे। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, हमारे डेरिवेशन काम करनी है, पर डेरिवेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो काम का है, तो डेरिवेशन कैसे हुआ वो देख लो। यहां पे जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने क्या कर दिया, बेटा पहले वाला नहीं पढ़ा गया आपने, मैं आपको शुरू से कह रखा हूं कि हर चैप्टर पढ़ना है, हर चैप्टर का रिलेवेंस आगे आएगा ही आएगा। अरे वहां पे देखो, पीछे पलट के देखो, समझ में आ जाएगा। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वाला खोलो परमिएबिलिटी के अंदर, वहां देखो, वहां पढ़ो स्टेटमेंट, समझ में आ जाएगा। अरे जब मैक्सिमम वैल्यू ले लूंगा तो वो हाइट ही क्या हो जाएगी बेटा, एच सी हो जाएगी ना यार, बाकी तो जेड जेड रहेगा। अरे जेड क्या है, डेप्थ है, जेड लिखूं या एच लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, वो एच नहीं है वो जेड ही है, जेड और एच से मैं बात उसकी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस सी की बात कर रहा हूँ। वहां मैंने जेड लिख दिया, कोई बात नहीं, जेड भी डेप्थ होती है, एच भी डेप्थ होती है। ऐसा नहीं कि सर जेड को एच लिख दिया, जेड और एच तो डेप्थ ही है दोनों, यहाँ पे भी डेप्थ है, यहाँ पे भी डेप्थ है, बस इसी डेप्थ को मैंने क्रिटिकल डेप्थ लिख दिया। कब? जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन ले लेते हैं, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद हमारी सॉइल फेल कर जाती है। ठीक है, वही तो हम निकाल रहे हैं क्रिटिकल हाइट, ये अलग नहीं बेटा, ये जेड को हम क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं, और ये एच भी डेप्थ ही है आपकी, एच भी डेप्थ ही है, पर ये एच के नीचे मैंने सी लगाया, उस सी की कहानी है ये एच और जेड की कहानी नहीं है, दोनों डेप्थ है, वो तो इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है, वो दोनों डेप्थ है, वो तो मैं यहाँ पे भी इसको एच लिख दूं कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एच को, फिर मैंने एच सी क्यों लिख दिया, एच को एच सी क्यों लिख दिया वो बता रहा हूँ मैं तो आपको। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन हो जाएगा तो वो क्रिटिकल कंडीशन दे देगा, तो क्रिटिकल कंडीशन में वो जो हाइट है वही क्रिटिकल हाइट कहलाती है, ये हम कर चुके हैं पहले सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से एच सी अपना आ गया, यहाँ से क्या आ गया अपना, एच सी आ गया। इसको अगर और मॉडिफाई करें तो वन अपॉन में कॉज स्क्वायर आई क्या होता है, वन अपॉन में कॉज स्क्वायर आई क्या होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, वन अपॉन में कॉज स्क्वायर आई क्या होता है, सेक स्क्वायर आई, सी सेक स्क्वायर आई गामा ब्रैकेट में 10i-10φ। क्यों, इसमें कोई दिक्कत, लिख दिया मैंने इसको, अरे वन अपॉन में कॉज स्क्वायर आई क्या होता है, सेक स्क्वायर आई, तो सेक स्क्वायर आई सी तो था ही, नीचे गामा था ही, बाकी टर्म एज इट इज लिख दी। ठीक है,
वन अपॉन में कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर आई लिख सकते हैं ना। हाँ क्या हुआ आप तब बेटा? अब हमें क्या करना है, अब इसको और मॉडिफाई करना है। यहाँ पे आओ, ये क्या लिखा आपने, किसके इक्विवेलेंट है एच सी, तो सी सेक स्क्वायर आई अपॉन में गामा टेन फाइव माइनस टेन आई माइनस टेन फाइव, टेन आई माइनस टेन फाइव यही लिखा है, देख लो ये कितना होगा टेन आई माइनस टेन फाइव। अब हम क्या करते हैं, सारे टर्म को इधर भेजते थे, अपन किस में आ जाते, सी अपॉन में गामा एच सी किसके इक्वल हो गया, सी अपॉन में गामा एच सी टेन आई माइनस टेन फाइव डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर आई। क्लियर, ये टर्म बनी सी अपॉन में गामा एच सी के टर्म में, सी अपॉन में गामा एच सी। ठीक है, और ये जो सी अपॉन में गामा एच सी है, ये जो सी अपॉन में गामा एच सी है, इसे ही तो कहते हैं हम क्या, स्टेबिलिटी नंबर। इस पे आता क्वेश्चन स्टेबिलिटी नंबर पे, किसने दिया था, टेलर्स। तभी कई बार इसको बोलते हैं टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर, तभी क्या बोलते हैं टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर कहते हैं। ठीक है, बैक में तो बेटा यही लिखा था, ये जो लास्ट टर्म है वही मैंने आप इसे यहाँ लिख दी, तो अगर वो बैक में अगर रह गया हो तो ये लास्ट टर्म लिख देना। पहले कॉस को मैंने सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करके वही टर्म वहां लिखी, वापस यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे सी बाय एस सी इंटू गामा के टर्म में ये अपन का आ गया, तो सी अपन में गामा एस सी को ही क्या कहते हैं, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर कहते हैं। ठीक है, इस पे आता है क्वेश्चन, इसी पे आता है हमारा क्वेश्चन, सी अपन में गामा एस सी इज़ टू टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर। इसको नोट कर, किससे करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला लिख दूं मैं फाइनल, यही हमारे को निकालना था, एस एन इज़ टू सी अपन में गामा एच सी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी डिवाइड कर देते हैं। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी डिवाइड कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एसएससी के लिए, ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे, फॉर्मूला पूछेंगे सी अपॉन में गामा एस सी स्टेबिलिटी नंबर का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी डिवाइड मारते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में दे रखा है तो उसको डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कर देना। ठीक है, क्या कर देना, अगर ऐसा दे रखा हो तो ये भी सही है, ऐसा नहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड मार रखा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड भी कर देना। ठीक है, हो गया डन, बैक करें बेटा, अमित आते ही बैक चालू। लो, क्रिटिकल का मतलब समझ में आ गया कि बेटा वो हाइट जिसके बाद सॉइल मास फेल कर जाएगा, तो क्रिटिकल कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, वन पुट कर देते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, क्योंकि मतलब उसके बाद जैसे ही वैल्यू बढ़ाओगे, अब क्या है वो फेलियर है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब फर्स्ट स्लाइड पे भी आ जाएं, ये लोग फर्स्ट पे भी आ गए, जल्दी क्यों नहीं आते हो भाई। हाँ बिल्कुल, एस एन स्टेबिलिटी नंबर है, ये लो, वन टू थ्री, नेक्स्ट सेकंड स्लाइड, वन टू थ्री, नेक्स्ट थर्ड स्लाइड। ठीक है, रिफ्रेश कर दें बेटा, अभी तो कहाँ से बफर करेगा, अभी तो स्टार्टिंग ही है। ये लो फिर भी कर दिया रिफ्रेश, हो गया रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए बेटा, स्टेबिलिटी नंबर अगर आपको C बाय गामा एच सी या फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में दे रखा है तो भी, और न्यूमेरिकल में भी अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है तो स्टेबिलिटी नंबर निकालने का, तो उसको डिवाइड कर देना, ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, C पता ही है यहाँ पे, C क्या होगा, कोहेजन होगा, C क्या होगा, कोहेजन होगा, गामा होगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल,
एचसी क्या है यहाँ पे? क्रिटिकल हाइट, क्रिटिकल हाइट, बस डन, ठीक है, क्रिटिकल हाइट। तो इस पे आता है न्यूमेरिकल और इस पे आता है ऑब्जेक्टिव। अब देखो एसएससी क्या कर रहा है, अब पैटर्न को थोड़ा चेंज कर रहा है, अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बढ़िया कैसे पूछ रहा है कि जिसने कभी डेरिवेशन नहीं किया, किसी ने कभी क्लास में डेरिवेशन नहीं किया, या फिर कोई शॉर्ट नोट से पढ़ लिया, या किसी ने कोई प्रीवियस किसी भी लेक्चर वेक्चर देख के काम चला लिया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेगा। मतलब फॉर्मूला आ गया तो बता देंगे, वो फॉर्मूला न्यूमेरिकल आएगा तो भी बता देंगे। पर अब बताता हूँ क्या कौन सा क्वेश्चन वो नहीं बता पाएंगे जो आप बता पाओगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, देखना आप भाई। इस सी अपॉन में गामा एस सी को बोलते हैं स्टेबिलिटी नंबर, और ये किसके बराबर है? सर इसके बराबर है। ये किसके बराबर है? सर इसके बराबर है। तो यहीं पे मैं लिख दूं, ये किसके इक्वल हो गया? टेन आई माइनस टेन फाई अपॉन में सेक स्क्वायर आई, वन अपॉन में सेक स्क्वायर आई को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर आई। तो क्या लिख सकते हैं? टेन आई माइनस टेन फाई इंटू कॉस स्क्वायर आई लिख सकते हैं। और यही जो क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो जिसने ये पढ़ रखा है वो तो कभी वहां तक सोच ही नहीं पाएगा कि ऐसा भी कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या। और अगर आपने डेरिवेशन कर रखा है तो आपको पता है टेन आई माइनस टेन फाइव अपॉन में सेक स्क्वायर आई होता है, तो वन अपॉन में सेक स्क्वायर आई को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर आई। तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, टेन आई माइनस टेन फाइव कॉस स्क्वायर आई। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट समझ में आ गया सभी को? तो वो क्वेश्चन है जो मैंने क्या किया है, आपको स्टार मार्क किया है, तो ये तो आता ही है बिल्कुल, इसमें तो आपका कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। चाहे न्यूमेरिकल आए, चाहे आपको फॉर्मूला पूछा बना लो जाओगे, उस फॉर्म के अंदर आए तो भी आपके लिए अब क्या हो गया? बढ़िया हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट, प्योर क्ले के केस में। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्योर क्ले के केस में। प्योर क्ले के केस में सर हमें ये पता है कि फाई क्या होता है? जीरो होता है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो फाई होगा उसे हम क्या कर देंगे? जीरो पुट कर देते हैं, करते हैं। अब देखें तो उसके हिसाब से स्टेबिलिटी नंबर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी नंबर क्या हो जाएगा? कि स्टेबिलिटी नंबर होता है सर हमारा टेन आई माइनस टेन फाई इंटू, अभी क्या लिखा था? कॉस स्क्वायर आई, यही लिखा था, टेन आई माइनस टेन फाई इंटू कॉस स्क्वायर आई। तो यहां पे क्या लिखें सर? ये तो जीरो हो गया, तो टेन आई इंटू कॉस स्क्वायर आई ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ? अब इस टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस, यही तो टेन होता है, इसको कन्वर्ट करें, साइन बाय कॉस यही तो टेन होता है। तो यहां से क्या हो गया? साइन आई और क्या हो गया? एक कॉस आई बच गया। ये क्या हो गया? साइन आई कॉस आई। और इस साइन आई कॉस आई को क्या कहते हैं भाई? फॉर्मूला, वन बाय टू, वन बाय टू साइन टू आई लिख सकते हैं, वन बाय टू साइन टू आई, वन बाय टू साइन टू आई। क्लियर हुआ? देख लो, वॉइस लो आ रही है, चलो मैं जब तक सेल चेंज करता हूं आप इसको नोट करोगे। क्लियर हुआ?
तो 10i-10 phi cos स्क्वायर आई। सेकेंड पॉइंट समझाएं, इसमें सेकेंड पॉइंट देखो बेटा, फाई को जीरो कर दोगे तो क्या करें, ये टर्म ही जीरो हो गई, तो 10i cos² i बच गया। 10 को क्या लिखते हैं, साइन बाय कॉस लिखते हैं, साइन बाय कॉस लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे कॉस है, तो कॉस से एक कॉस कट गया, तो साइन आई कॉस आई क्या था, 1/(sin 2i), ठीक है, 1/(sin 2i)। ये क्यों समझा रहे हैं, उसका भी रीजन बताता हूं मैं आपको। ये नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ इसको क्यों समझा रहे हैं कि सर इसका क्या यूज है, इस पे क्या क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आता है आपका थ्योरेटिकल मैक्सिमम थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर, एक क्वेश्चन क्या आता है मैक्सिमम थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर, और एक आता है प्रैक्टिकल मैक्सिमम प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ आपका स्टेबिलिटी नंबर। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती है, जिसने याद कर रखा, जिसने नोट कर रखा, बार बार रीड कर रखा, उसको ठीक है, पर अगर उसका कंसेप्ट की बात करें तो कैसे निकलती है, वो इसी फॉर्मूले से निकलती है, वो इसी फॉर्मूले से निकलती है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, ये नोट में लिख दो, नोट में लिखिएगा, पहला मैक्सिमम थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर, नंबर कितनी होती है 1/2, जिसको बोलते हैं 0.5। तो मैक्सिमम थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर कितनी होगी, 1/2 या 0.5। सेकंड लिखिएगा मैक्सिमम प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी नंबर इज 0.261। ये क्वेश्चन देखा है आपने, 0.261 कई बार पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये 1/2 और प्रैक्टिकल 0.261। क्या बोल रहे हैं, आरसीसी वाले सर ने बोला था कि आज एनवायरनमेंट वाले सर से पूछना कॉपर के वेसल का यूज पानी के लिए करना चाहिए या नहीं। देखो कॉपर के वेसल का यूज करना चाहिए कि नहीं, अगर बात करें कॉपर भी एक, देखो हर एक मेटल एक टॉक्सिक होता है, हर एक मेटल टॉक्सिक होता है अगर उसकी प्रेजेंस अगर लार्ज अमाउंट में हो, उसकी प्रेजेंस अगर लार्ज अमाउंट में हो, तो अगर कॉपर भी अपने बॉडी में अगर ज्यादा एक्सीड करेगा तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है, बट अगर इन जनरल बात करें तो कॉपर के वेसल में पानी रखा जाता है, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो, स्टेबिलिटी नंबर का रोल क्या है, स्टेबिलिटी नंबर का आपका रोल है कि एक वैल्यू देता है, कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है कि कितना आपका जो स्लोप है वो स्टेबल है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ वो डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो अपन वहां से निकाल पाएंगे क्रिटिकल हाइट वगैरह, पर उसके टर्म्स में देता है कि आपका स्लोप की स्टेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है बेटा। कॉपर सल्फेट जो होता है इसको अपन डालते भी है, कॉपर सल्फेट को अपन जब ट्रीटमेंट हो जाता है ना, किसका, वाटर का डिसइंफेक्शन जब हो जाता है, आखिरी ट्रीटमेंट ड्रॉ वाटर का जब हम सप्लाई करते हैं इसको, तो उसके अंदर भी हम कॉपर सल्फेट CuSO4 डालते हैं, क्योंकि उसकी गुड एल्गीसाइडल प्रॉपर्टी होती है, वो एल्गी को क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है। काई जो जमती है पानी के अंदर, जब पाइपलाइन में पानी जाता है तो रुक जाएगा ना, फिर जब पानी बंद हो जाएगा तो वो जब पानी रुका हुआ रहता है, रुके हुए पानी में काई क्या होती है सर, काई हो जाती है एल्गी, उस एल्गी को खत्म करने के लिए लास्ट वन कॉपर सल्फेट डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट गुड एल्गीसाइडल प्रॉपर्टी भी होता है। चलिए आ जाओ, अब हो गया वो, अब नहीं ज्यादा करना अपने को, यहाँ पे आओ। अब अगर सबमर्ज सॉइल की बात करूं, अगर मैं बात करूं सबमर्ज सॉइल की, तो सभी को समझ में आ गया होगा, सबमर्ज तो टाइप है,
कंडीशन है, और टाइप कौन सा है? कोहेजिव सॉइल है। कोहेजिव में सॉइल कैसी हो? सबमर्ज कंडीशन में हो। तो क्या लिख दोगे? वही फॉर्मूला है, टो एफ बाय टो, टो एफ बाय टो, तो लिख दो सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई अपॉन में टो। तो जहां जहां पे भी गामा था वहां पे गामा डैश कर देंगे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है? सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर आई टेन फाई और गामा डैश जेड कॉस आई साइन आई, लिख दो। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हो गया। किस टर्म में? सबमर्ज में क्या किया? उस गामा को हमने गामा डैश पुट कर दिया जैसे हमने पहले किया था। चलिए हो गया, नोट हो गया। बड़े डाटा है ये डिराइव करने का डाटा आया, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे। अब आते हैं अपन स्टेबिलिटी एनालिसिस के मेथड पे आते हैं। एक तो बेस होता है टोटल स्ट्रेस पे और एक होता है इफेक्टिव स्ट्रेस पे। इस पे बेस होता है एक टोटल स्ट्रेस पे और एक होता है इफेक्टिव स्ट्रेस पे। स्विडिश सर्किल मेथड हो गया, फ्रिक्शन सर्किल मेथड हो गया, और एक होता है आपका बिशॉप्स मेथड। तो ये तीनों मेथड्स को हमें पढ़ना है। आइएगा, लिखिए हेडिंग मेथड्स बेस्ड ऑन, पहला लिखिए मेथड्स बेस्ड ऑन कौन सा? इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, ये टोटल स्ट्रेस तो पता है हमें क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस चैप्टर में पढ़ चुके थे। ये मत बोलना सर ये टोटल स्ट्रेस क्या होता है। फिर फर्स्ट जो है वो स्विडिश सर्किल, स्विडिश स्लिप सर्किल मेथड, स्लिप सर्किल मेथड, और दूसरा फ्रिक्शन सर्किल मेथड। ज्यादा कुछ नहीं आता इसमें, एक एक पॉइंट है वो आता है। पर देखिएगा दो थ्योरीज है, किसके ऊपर बेस्ड है? टोटल स्ट्रेस एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। कौन सी? स्विडिश सर्किल या स्विडिश स्लिप सर्किल मेथड कहते हैं, और दूसरा है हमारा फ्रिक्शन सर्किल मेथड। नोट करिएगा, जब तक भी हो जाएगा आपके सामने ही है, जब हो जाएगा तो अपन देख लेंगे, टेंशन क्यों लानी है। हो गया, देखो एक चीज समझना, जो पॉइंट है क्वेश्चन के जो आते हैं वो देखना, सुनना बड़े ध्यान से। स्विडिश स्लिप सर्किल जो मेथड है, ये स्विडिश स्लिप सर्किल मेथड के अंदर जो फेलियर होता है, फेलियर से ऊपर की सॉइल को नंबर ऑफ पार्ट्स में स्प्लाइसेस कहते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में अपन क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, और उनके बीच कोई फोर्स नहीं लगता। ये सारे क्वेश्चन है, उन स्लिप सर्किल जो आपकी स्लाइसेस आपने काटी है उन स्लाइस के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता और वो इंडिपेंडेंट एक्ट करती हैं। तो जो भी आपका फेलियर है उस फेलियर के ऊपर जितनी भी सॉइल है, ठीक है, इस फेलियर के ऊपर जितनी भी सॉइल है इसे अपन नंबर ऑफ क्या कर देते हैं? पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसके ऊपर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंटली ये वर्क करती है और इनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता। ये इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी, नीचे जाएंगी और इन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होता। क्लियर हुआ? अब इसमें लिखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है। ये आपका एक डायग्राम है, चाहो तो इस डायग्राम को बना लेना। ये सेंटर बोल देना, ये ओ है सेंटर आपका, ये आर है रेडियस,
ये आर है आपकी रेडियस, ठीक है, और यहाँ से एक सेंटर से एक लाइन पास कर रही है, इस सेंटर से यहाँ सेंटर जुड़ा, यहाँ से एक लाइन पास कर रही है और इस लाइन के जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे है आपका एंगल अल्फा, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स है, ये वेट लग रहा है नीचे की तरफ डब्लू वेट ऑफ द सॉइल मास, और यहाँ से 90 डिग्री के ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ से 90 डिग्री के ऊपर क्या लगता है, शियर स्ट्रेस लगता है। तो नॉर्मल शियर स्ट्रेस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये पॉइंट हो गया सेंटर ओ, और ये आपका रेडियस हो गया। क्लियर है, नंबर ऑफ स्लाइसेस जो है ऊपर इसके अंदर अपन ने इसको कट कर दिया, नंबर ऑफ स्लाइसेस में हमने इसको कट कर दिया। ये क्या है कि जो भी फेलियर सरफेस है, फेलियर सरफेस है सर्कुलर आर्क ऑफ सर्किल है, मतलब कौन सा फेलियर है, ये फाइनाइट फेलियर है, फाइनाइट स्लोप है ना, फाइनाइट स्लोप है, नहीं तो उसमें तो इनफाइनाइट में क्या होता है, पैरेलल टू द स्लिप सरफेस होता है ना, उसमें प्लेनर होता है, इसमें सर्कुलर आर्क है, और इसके ऊपर जितनी भी सॉइल थी, जो भी सॉइल फेल हो, इसको क्या करते हैं अपन, जो अपन को एनालिसिस करना है इस फेलियर का, तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर जितनी भी सॉइल है उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इन पार्ट के बीच में क्या मान के चलते हैं कि फोर्स नहीं लग रहा है, हर एक पार्ट इंडिविजुअल है, ये चीज़ें हैं। तो डायग्राम में आर रेडियस है, यहाँ से नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल फोर्स आ रहा है, ये वेट लग रहा है और शियर लग रहा है। अब समझ में आ गया, ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है। मैं डायग्राम में समझाया है उसको, नॉर्मल उनको एक प्लेन पे लाके समझाया है, बिल्कुल डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, स्वीडिश सर्किल का डायग्राम ड्रॉ करना है। हो गया नोट, बताओ जल्दी। अब जल्दी कोई कह रहे हैं फास्ट करो, पर अब आपने नोट ही तो नहीं किया, अरे नॉर्मल बेटा रिजल्टेंट होता है ना ये नॉर्मल, चलिए अब ये अब किसका डायग्राम था, पहले वाले का, स्वीडिश सर्किल का, स्वीडिश सर्किल मेथड का था, स्वीडिश स्लिप सर्किल, सर्कल मेथड। इसमें दो तीन पॉइंट है जो बड़े इंपॉर्टेंट है और एक फॉर्मूला है वो लिख लीजिएगा। देखो पहला पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, इन दिस मेथड द सॉइल मास, इन दिस मेथड द सॉइल मास अबव द स्लिप सरफेस, सॉरी सॉइल मास अबव द स्लिप प्लेन इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ स्लाइसेस, इंटू अ नंबर ऑफ स्लाइसेस, स्लाइसेस वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो थी है ना, स्लाइसेस ऑफ इक्वल विड्थ। तो ये पहला क्वेश्चन है कि किस मेथड के अंदर, किस मेथड के अंदर जो सॉइल है, किस मेथड के अंदर जो सॉइल है उसको नंबर ऑफ स्लाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या कट कर देते हैं, तो स्वीडिश स्लिप सर्किल मेथड है। ठीक है, ठीक है, दूसरा लिखेंगे, कोई बात नहीं अभी फिर बना लेना, बैक कर दूंगा। देयर फोर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दी स्लाइस, अब दो फोर्सेस लगेंगे स्लाइस के बीच में, भाई एक स्लाइस ये रही, ठीक है, दूसरी स्लाइस ये रही, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ये क्या करते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं, द फोर्स, द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द स्लाइस इज नेगलेक्टेड, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन दी स्लाइसेस आर नेगलेक्टेड, ये याद रखा उसको, नेगलेक्ट करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्लाइसेस में बांट देते हैं,
जो स्लिप सरफेस के ऊपर की सॉइल है, इनके बीच में फोर्सेस कंसिडर करते हैं क्या? नहीं करते। किस में नहीं करते? स्विडिश सर्किल में नहीं करते। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, ईच स्लाइस इज अज्यूम टू एक्ट, ईच स्लाइस इज अज्यूम्ड टू एक्ट, इज अज्यूम्ड टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट कॉलम, एज एन इंडिपेंडेंट कॉलम, ये इंडिपेंडेंट पार्ट बोल सकते हो, कॉलम बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पार्ट की तरह वो एक्ट करेगी। ये नोट करिए, तो थ्योरी है, ये इसकी थ्योरी है। तो दो तीन पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें जो स्लिप सरफेस के ऊपर की जो सॉइल होती है उसको नंबर ऑफ स्लाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उन स्लाइस के बीच में फोर्स को कंसिडर नहीं करते, और वो हर एक साइज एंड इंडिपेंडेंट की तरह पार्ट की तरह वर्क करेगी, इंडिपेंडेंट कॉलम की तरह वर्क करेगी। और अब ये तीन मेथड के बाद में 1 घंटे का और है, फिर नहीं तो आधे घंटे का, तो उसके बाद और है, मतलब 1-1.5 घंटे का एक मान लो पूरा। नेक्स्ट, चलो अब क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो। तो फॉर्मूले से पहले अपने ये लिख लो, नॉर्मल कंपोनेंट जो है आपका, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेट एन इज इक्वल टू क्या होगा, डब्लू कॉस अल्फा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेट कितना, टी इज इक्वल टू डब्लू साइन अल्फा। बस वही कॉस अल्फा साइन अल्फा वाली कहानी समझ में आ गई थी डायग्राम में, बताओ। देखो यहां से समझ में आ रहा है, एन के साथ कॉस बनेगा क्योंकि ये किस कैसा है सर, ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस वाला है, ये वर्टिकल है, साइन बनेगा बस। तो वही लिखा है हमने, वर्टिकल है तो हमने साइन बनेगा, डब्ल्यू साइन, इसके साथ हमने साइन का बना दिया, इसके साथ कॉस का बना दिया, ठीक है। कल वाली बात याद आई, साइन कॉस एक्स के साथ क्या बनता है और वाई के साथ क्या बनता है, एक्स के साथ कॉस बनेगा, वाई के साथ आपका साइन बनेगा। तो यहां से एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हो जाएगा सी एल प्लस समेशन ऑफ एन अकॉर्डिंग टू स्विडिश सर्किल मेथड, 10 फाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टी। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू तो हम पुट कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। तो एक अगर पूछ लें तो ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, सी एल प्लस समेशन ऑफ एन 10 फाई अपॉन में समेशन ऑफ टी। लो बैक कर लेते आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ईच स्लाइस इज अज्यूम टू बी एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट कॉलम, सेकेंड लाइन में कोहेजन फोर्स को जीरो माना है, बिल्कुल कोहेजन को नहीं बोल सकते हैं, बीच में फ्रिक्शन जो लग रहा है उसको जीरो माना है, ठीक है। कुछ शायरी हो जाए अभी करेंगे, एक बार ये अपना पूरा तो हो जाए चीजें, ये तो अभी दिक्कत कर रही है, इनको निपटाते हैं फिर अपन करते हैं। चलिए एक घंटे में 8 ही पेज हुए हैं, ये 8वां पेज है अपना, इसे धीरे क्या चले बेटा, एक घंटे में 8 ही पेज हुए हैं और 8वीं पेज ये मेरे स्लाइड स्लाइड है। अगर आपकी, अगर आपकी कॉपी में देखोगे 2 पेज हुए,
तो 1 घंटे में 2 से भी अगर धीरे चलेंगे तो फिर तो हो गया काम। क्यों? चलो आ जाओ, ये हो गया नोट, परेशान ना हुआ करो। सेकंड लिखो, सेकंड जो हम बात कर रहे हैं वो है फ्रिक्शन सर्किल मेथड की। देखो, फ्रिक्शन सर्कल मेथड। देखो इन इस चैप्टर का ऐसा है कि क्वेश्चन आ भी जाए और नहीं भी आए, कोई गारंटी बात नहीं है कि पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी भी देखो बैक ही चल रहा है, लो बैक आ जाए, लो इसमें याद रखिएगा। अब हो गया, इसमें याद रखिए, एक क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन सर्किल मेथड में जो रिजल्टेंट पास करेगा वो उसके फ्रिक्शन सर्किल से पास करेगा। एक सेंटर पे एक सर्किल बनता है, उसके से टच करता हुआ पास करेगा, उसका टेंजेंशियल ही होगा रिजल्टेंट फोर्स। और उस फ्रिक्शन सर्किल का रेडियस तो क्या होता है, आर साइन फाई होता है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं कि इस मेथड के अंदर जो रिजल्टेंट पास करेगा वो कहां से पास करेगा, फ्रिक्शन सर्किल से पास करेगा, उसके टेंजेंशियली पास करेगा, और उस फ्रिक्शन सर्किल का रेडियस कितना होता है, आर साइन फाइव। ये 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब डायग्राम बनाइएगा, अब इसमें स्लाइस स्लाइस में बांटते नहीं है इसको। ये हम क्या करते हैं, इसको यहां पे एक सर्किल बनाते हैं, यहां पे एक सर्किल बनाया जाता है। ये क्या है हमारा सेंटर, ये हमारा सेंटर, और सेंटर बनाया जाता है आपका एक सर्किल, और इस सर्किल की रेडियस जो होती है इसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शन सर्किल। फ्रिक्शन सर्किल मेथड से फ्रिक्शन सर्किल इसको ही कहते हैं। और इसकी रेडियस कितनी होती है, आर साइन फाइव। ये है अपना क्वेश्चन कि फ्रिक्शन सर्किल की रेडियस कितनी होगी, आर साइन फाइव होगी। ठीक है, तो एक नॉर्मल फोर्स तो कहां से लग रहा है, यहां सेंटर से जा रहा है जैसे पिछले वाले में जा रहा था, और रिजल्टेंट कहां से जा रहा है, रिजल्टेंट इसके टेंजेंशियली पास करेगा, रिजल्टेंट इसके टेंजेंशियली पास करेगा। ठीक है, ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स, ये है आपका रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इनके बीच में बनने वाला एंगल होता है फाइव, और यही होता है आपका आर साइन फाइव। ये क्वेश्चन है, और दूसरा रिजल्टेंट कहां से पास कर रहा है, टेंजेंशियली टू द फ्रिक्शन सर्किल। 2 क्वेश्चन, रिजल्टेंट पासेस थ्रू टेंजेंशियली, टेंजेंट खींच रहा है किस पे, फ्रिक्शन सर्किल पे। तो 2 क्वेश्चन हो गए, क्या हो गया, अच्छा देवकरण लिख रहे, वाह वाह क्या बात है, वेरी गुड। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलाने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा स्लिप सरफेस है, यहां से हमने एक सेंटर बनाया, इसको प्रोपोगेट किया सेंटर, इस सेंटर से हम एक क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, कितना रेडियस का, आर साइन फाई का एक सर्किल बनाते हैं। इस सर्किल को बोलते हैं फ्रिक्शन सर्किल। तो यहां से रिजल्टेंट जाता है, इट विल टेंजेंशियल टू द फ्रिक्शन सर्किल। 2 क्वेश्चन कि रिजल्टेंट जो है टेंजेंशियल होता है किसके, फ्रिक्शन सर्किल के, और दूसरा रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्किल आर साइन फाइव। ठीक है, ठीक है, लिखो। आप जब तक इस डायग्राम को बनाओ मैं कुछ इसके बारे में अब जो आपको बताया वो पॉइंट लिखते हैं यहां पे। इन दिस मेथड फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल, is used to analyze the stability of slope. तो इसमें
किसका यूज करते हैं? फ्रिक्शन एंगल का। तो वो तो हमें यहाँ दिख ही रहा है सर, फाई क्या होता है? फ्रिक्शन एंगल होता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट रिएक्शन जो कौन सी बात कर रहे हैं अपन, जो बात कर रहे थे आर की, रिजल्टेंट रिएक्शन बिटवीन द टू पोर्शन ऑफ द सॉइल मास टू पोर्शन ऑफ अ सॉइल मास इन टू विच ट्रायल स्लिप सर्किल ट्रायल स्लिप सर्किल डिवाइड्स द स्लोप divides the slope divides the slope will be tangential to concentric small circle slope abhi likh lena ruko divided to slope will be tangential wo kya hoga आर जो है वो टेंजेंशियल है किसके, उस ट्रायल सर्किल के। ट्रायल सर्किल को क्या कह रहे हैं यहां पे, फ्रिक्शन सर्किल कह रहे हैं, ठीक है। विल बी टेंजेंशियल टू अ कंसेंट्रिक स्मॉल सर्किल टू अ कॉन्सेंट्रिक स्मॉल सर्किल ऑफ रेडियस आर साइन फाइव ऑफ रेडियस आर साइन फाइव। ये लीजिए, नोट करिए। हाँ, टॉप पे सर्किल है बिल्कुल, यहां पे जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है फेलियर प्लेन से, जो लाइन अपन ने बनाई है उस पॉइंट, उस ओ पॉइंट पे एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल को बोलते हैं फ्रिक्शन सर्किल, और वो कितना ड्रॉ होगा, आर साइन फाइव। रिजल्टेंट पास करता है उस टेंजेंट से और एक नॉर्मल फोर्स, इनके बीच का जो एंगल है फाइव, उस फाइव से हम क्या करते हैं, सर्किल बनाते हैं आर साइन फाइव का। आर रेडियस है बिल्कुल, आर साइन फाइव टोटल वैल्यू जो होगी उसकी आर साइन फाइव होगी। देखो, इन दिस मेथड, वापस पढ़ देता हूं, फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल इज यूज टू एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, पहला पॉइंट। सेकंड, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट रिएक्शन आर between the two portion of soil mass into which trial slip circle divides the slope। बेटा r sin phi पूरा रेडियस है, स्मॉल सर्किल का रेडियस पूरा r sin phi है। स्लिप सर्किल डिवाइड द स्लोप विल बी टेंजेंशियल टू द कॉन्सेंट्रिक स्मॉल सर्किल ऑफ रेडियस r sin phi। क्लियर हुआ? तो हमें क्या करना है, हमें बस ये चीज याद रखनी है कि इसमें रिजल्टेंट कहां से पास करता है, टेंजेंशियल टू द फ्रिक्शन सर्किल, और फ्रिक्शन सर्किल का रेडियस कितना होता है आर साइन फाइव। ये दो क्वेश्चन आते हैं ठीक है, बता दिया मैंने जो स्टार्टिंग में ही लिखवाने से पहले ही।
नोट कर लो अच्छे से, अभी बैक ही हो रखा है, फिर आगे चले जाएंगे फिर। चले नेक्स्ट स्पेस आ जाओ। एक नोट में पॉइंट लिख दीजिएगा, एक नोट में पॉइंट लिख दीजिएगा, वो पॉइंट क्या है आपका? टेलर्स स्टेबिलिटी चार्ट चार्ट आर बेस्ड ऑन दी टोटल स्ट्रेस एनालिसिस यूजिंग यूजिंग विच फ्रिक्शन सर्किल मेथड। तो फ्रिक्शन सर्किल मेथड का यूज किया जाता है टेलर्स स्टेबिलिटी चार्ट के अंदर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। टेलर्स स्टेबिलिटी चार्ट बेस्ड ऑन द टोटल स्ट्रेस एनालिसिस यूजिंग फ्रिक्शन सर्किल मेथड। अब आते हैं अपन लास्ट पे, नोट कर लेना, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सेकंड पॉइंट नहीं समझे, सेकंड पॉइंट बस इतना समझ लो कि जो रिजल्टेंट जो पास करता है वो कहाँ से पास करेगा, फ्रिक्शन सर्किल के टेंजेंट से पास करेगा, और फ्रिक्शन सर्किल का रेडियस जो है वो आर साइन फाई होगा। वही चीज़ें उन्होंने घुमा फिरा के लिख रखी इस स्टेटमेंट में, ठीक है। क्यों रोहित, कोई डाउट? बिल्कुल हो जाएगा, परेशान ना हो। चालू करने से पहले आप खत्म की बात करते हो, ऐसा क्यों? आपका ज्यादा से ऊपर ध्यान तो रहता है कि सब कब खत्म होगा, होगा नहीं होगा वो पता नहीं, पर खत्म कब होगा बस ये बता दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपन इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस पे। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस पे दो मेथड होते हैं, कौन कौन से? दो चैप्टर कौन कौन से होते हैं, मतलब दो चैप्टर क्या मतलब आपका, दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका फर्स्ट फ्रिक्शन सर्किल और दूसरा स्वीडिश सर्किल। दो मेथड होते हैं किस पे? टोटल स्ट्रेस पे। इसी तरह से अब टोटल स्ट्रेस पे तो वो हो गए दो, इफेक्टिव स्ट्रेस पे होगा एक, कौन सा? बिशॉप्स मेथड, तो ये भी याद रखिएगा। तो सेकेंड हम बात कर रहे हैं मेथड्स बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, मेथड बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, कौन सा है? बिशॉप्स मेथड। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, टोटल स्ट्रेस के कौन से और इफेक्टिव स्ट्रेस के कौन से। बिशॉप्स में ज्यादा नहीं लिखना क्योंकि फॉर्मूला वो अपने काम का नहीं है, वो गेट वेट में आता है, अननेसेसरी उसको लिखना नहीं है। बिशॉप्स में याद रखिएगा क्या क्वेश्चन पूछता है कि स्वीडिश सर्किल के अंदर फोर्सेस को क्या किया था? नेगलेक्ट किया था, फोर्सेस को नेगलेक्ट किया था, और इन्होंने क्या माना था? फोर्सेस को कंसिडर किया था, इन्होंने फोर्सेस को कंसिडर किया था। जो स्लिप सरफेस थी उनके बीच में फोर्सेस को नेगलेक्ट माना स्वीडिश ने, और इन्होंने कंसिडर किया था। तो जहां पे कंपेयर वाला आएगा वहां जरूर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें दो ही पॉइंट लिखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, दिस मेथड टेक्स इंटू अकाउंट, दिस मेथड टेक्स इंटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन द वर्टिकल स्लाइस, ऑन द
वर्टिकल स्लाइस, वो कौन सी जो स्ट्रिप्स काटी थी हमने, वर्टिकल स्लाइस, वर्टिकल साइड ऑफ स्लाइसेस, वर्टिकल साइड ऑफ द स्लाइसेस। अब इन स्लाइसेस के बीच में फोर्सेस को कंसिडर किया था इन्होंने, बिशॉप्स ने, जो किस पे बेस था, इफेक्टिव स्ट्रेस पे बेस था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने माना था अज्यूम द स्लिप सरफेस, स्लिप अज्यूम द स्लिप सरफेस एज एन आर्क ऑफ अ सर्किल, इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। नोट करिए, बिशॉप्स, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं, इसके बाद स्टार्ट होगा, पता नहीं कौन सा होगा, जो भी होगा आपको आ जाएगा मैसेज, चल तो रही है। एक कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, क्या पूछ लेते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, और ये एंगल ऑफ रिपोज पढ़ते हैं हम स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर। ठीक है, हो गया नोट, एज्यूम द स्लिप सरफेस इन एन आर्क ऑफ सर्किल, वही कैसा आर्क ऑफ सर्किल, मतलब स्लिप सर्किल से कैसा माना था, कर्व माना था, और होता भी कर्व है। देखिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो समझो पहले कि ये एक सॉइल मास का ढेर है, ये एक मिट्टी का ढेर है, ठीक है, मिट्टी का ढेर है, और इस मिट्टी के ढेर में वो मैक्सिमम एंगल जिस पे सॉइल सेफ हो, जैसे मैंने क्या क्या ढेर लगाया यहां पे, और ये मैंने बोला ये एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज है, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिपोज है, मतलब ये मैक्सिमम एंगल मैंने बता दिया, ये कैसा है, ये सर वो मैक्सिमम एंगल है, जैसे ही इसके बाद आप और सॉइल डालोगे ये एंगल और बढ़ेगा, और बढ़ते ही सॉइल मास क्या कर जाएगा, ये सॉइल मास फेल कर जाएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज का समझ में आया, एंगल ऑफ रिपोज का समझ में आया कि वो मैक्सिमम एंगल जिस पे सॉइल का ढेर बनाने पे सॉइल गिरे ना, वो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे ही और सॉइल डाल दोगे मतलब एंगल ऑफ रिपोज बढ़ा तो सॉइल मास फेल। तो मैक्सिमम कहां तक ढेर लगा सकते हैं, बचपन में ओपन करते थे मिट्टी ऐसे बनाई, ढेर लगाया और ढेर लगाया और ढेर लगाया, और सर जैसे जैसे ढेर लगाते थे यहां से मिट्टी गिर जाती थी, तो हम बार बार ढेर लगाते, तो वो पॉइंट जहां पे आके मैक्सिमम, बस अब इसके बाद जैसे अपन ने और इकट्ठी करी तो ये मिट्टी यहां से गिर गई, तो ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिपोज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, अब इसका डेफिनेशन लिखाएंगे, सिंबल की क्यों टेंशन ले रहे हो, डेफिनेशन भी लिखाएंगे, सिंबल अल्फा, अल्फा कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, शायद अल्फा से डिनोट करते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि कितना हमें किसी भी मिट्टी को अपन को जोड़ना है, मतलब जब हम एम्बेडेड बनाते हैं रोड के साइड में, तो हमें देखना होता है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपोज कितना, वहीं तक ही अपन क्या करते हैं उस मिट्टी को लगाते हैं, या फिर जो भी पिचिंग आपको लगानी, जो भी पत्थर आपको रखने उस तक रखते हैं, जैसे उससे ऊपर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिपोज का ये काम होता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार, देखना इसको अल्फा से ही करते हैं क्या डिनोट, जहां तक मुझे याद है अल्फा से डिनोट होता है, बाकी और एक बार चेक कर लेना। इसकी डेफिनेशन लिख दो, द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन किसके साथ, विद हॉरिजॉन्टल
विद हॉरिजॉन्टल एट विच अ बॉडी एट विच अ बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम remains in equilibrium remains in equilibrium under the action of friction only ठीक है is termed as angle of repose is termed as angle of repose के वो maximum angle जिस पे वो मिट्टी जो है वो आपकी stable है उसके बाद वो क्या हो जाएगी आपकी fail कर जाएगी उसे बोलते हैं angle of repose ठीक है ये है ये मिट्टी का ढेर लग रहा है ये angle phi जो है phi बोले alpha बोलो ये है angle of repose मतलब इसके बाद अगर जैसे आप मिट्टी और डालोगे यहां से गिर जाएगी ठीक है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज तो वो मैक्सिमम एंगल जिस पे बॉडी रिमेंस इक्विलिब्रियम मतलब अब गिरेगी नहीं जैसे इससे ज्यादा मिट्टी डालोगे वो गिर जाएगी तो वो एंगल को बोलते हैं डन सभी का अब आते हैं सैंपल एंड सैंपलर नेक्स्ट यूनिट नंबर फिफ्थ है ना ये फिफ्टींथ सैंपल एंड सैंपलर सैंपल एंड सैंपलर सैंपल की अगर बात करें तो सैंपल होता है जो भी सॉइल मास जिसका हम एक सैंपल लेते हैं उसको लैब में टेस्ट करके सैंपल बोलते हैं और जिससे लिया जाता है उसे बोलते हैं सैंपलर हाँ ये खत्म हो गया नेक्स्ट चैप्टर आ गया 15th ये ना आपका सैंपल एंड सैंपलर ठीक है सैंपल और जो होता है सॉइल मास को कहते हैं सैंपल और दूसरा जो है वो सैंपलर है ठीक है दूसरा जो है वो क्या है आपका सैंपलर है जिसके डिवाइस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं सॉइल को निकाला जाता है ठीक है तो सॉइल एक्सप्लोरेशन के वही है बड़ा सैंपल और सैंपलर की बात कर रहे हैं एक्सप्लोरेशन में ब्लास्टिंग की बात नहीं करेंगे वो ब्लास्टिंग की बात कहाँ करते हैं वो आपके सीटी वगैरह करते हैं वो ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग जेनेटिन और वो आपका डेटोनेटर्स और वो सब वहां पे बात करते हैं अपन यहाँ बात करेंगे एक्सप्लोरेशन के अंदर हम बात करेंगे सॉइल को हम वहां से निकाल रहे हैं उसका सैंपल ले रहे हैं और उसको टेस्ट कर रहे हैं लैब में जाके तो हम इसकी बात कर रहे हैं ठीक है क्लियर हुआ हाँ तो आज ही तो खत्म होगा तो देखिएगा सैंपल लिखो डेफिनेशन सैंपल लिखिएगा It is a soil mass. Mass which is used to determine the engineering property of soil. It is a soil mass which is used to determine the engineering property of soil is termed as sample. ये एक soil mass है इसका use किया जाता है engineering property को determine करने के लिए इसे हम कहते हैं sample. ठीक है
इट इज अ सॉइल मास विच इज यूज टू डिटरमाइन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज सैंपल, और सैंपल्स आर ऑफ टू टाइप, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके थे, डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब. सैंपल्स आर ऑफ टू टाइप्स. पहला होता है डिस्टर्ब्ड सैंपल और डिस्टर्ब्ड एंड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल. नोट करिएगा, ठीक है, हो गया डन. अब देखिए, डिस्टर्ब्ड एंड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल. पहला सैंपल है आपका डिस्टर्ब्ड सैंपल. डिस्टर्ब्ड सैंपल की बात करें जिसमें नेचुरल स्ट्रक्चर जो होगा गेट डिस्टर्ब्ड, नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल गेट डिस्टर्ब्ड. इन दिस सैंपल द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल गेट डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग द सैंपलिंग. ठीक है, सैंपल लेते समय उसका क्या हो, नेचुरल स्ट्रक्चर जो हो वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए. इन दिस सैंपल द नेचुरल स्ट्रक्चर अगर डिस्टर्ब हुआ तो प्रॉपर्टी भी सारी चेंज हो जाएगी इसकी. ठीक है, जो प्रॉपर्टी चाहिए वो भी सारी चेंज हो जाएगी. वॉइड रेशियो, पोरोसिटी हुआ, परमेबिलिटी हुआ, बियरिंग कैपेसिटी हुआ, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. इट इज द इन दिस सैंपल द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल गेट डिस्टर्ब ड्यूरिंग द सैंपलिंग. और सेकेंड लिखिएगा अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के अंदर In this sample, the natural structure are not disturbed. Natural structure या बोल सकते हैं grain structure. इसमें grain structure disturb होता है, उसमें grain structure disturb नहीं होता है. बेटा जब इसको सैंपल, सैंपल का मतलब है नमूना, स्पेसिमेन, जो अपन क्या कहते हैं मिट्टी का लेते हैं, उस पर हम टेस्ट करते हैं लैब में आके, तो जो स्पेसिमेन जब ले रहे हो तो उसमें जो ग्रेन पार्टिकल है, नेचुरल स्ट्रक्चर का मतलब है ग्रेन पार्टिकल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, हिल जाए, तो उसे बोलेंगे डिस्टर्ब सैंपल. जिसमें ना हिले उसे बोलेंगे अनडिस्टर्ब सैंपल. क्लियर हुआ, ये नोट करो. नेचुरल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ग्रेन स्ट्रक्चर बोल सकते हो. ठीक है, अब आया समझ में.
बिल्कुल, डिस्टर्ब सैंपल सभी में होता है, तो अनडिस्टर्ब सैंपलिंग करना बड़ा ही दिक्कत वाला काम है। ठीक है, तो डिस्टर्ब को ही क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो वर्ड आया था रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, वो क्या है आपका, डिस्टर्ब सैंपल ही है। ठीक है, अब देखना, अब क्वेश्चन क्या आता है कि डिस्टर्ब्ड और अनडिस्टर्ब्ड सैंपल से कौन कौन सी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। हमने क्या लिखा था कि ये क्या काम आता है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए काम आता है सैंपल। तो इस डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब से कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन होगी वो लिखेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। वन, नेक्स्ट, सेकेंड, वन टू थ्री, नेक्स्ट, थर्ड, वन टू थ्री, फोर्थ, वन टू थ्री, फिफ्थ, वन टू थ्री, सिक्स्थ, वन टू थ्री, सेवन्थ, वन टू थ्री, एट्थ, वन टू थ्री, नाइन्थ, वन टू थ्री, टेंथ, वन टू थ्री, इलेवेंथ, वन टू थ्री, ट्वेल्थ। नेट चला गया, कोई बात नहीं बेटा, वापिस से ले लेना पीछे बैक करके ना थोड़ा सा। वन टू थ्री, थर्टीन, वन टू थ्री, फोर्टीन, एंड वन टू थ्री, लास्ट 15। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रह गई, सौरभ ये फर्स्ट, वन टू थ्री, सेकंड, वन टू थ्री, फोर्थ, वन टू थ्री, ठीक है, और कौन सा, नाइन्थ, वन टू थ्री, नाइन्थ, ठीक है, फिफ्टींथ, वन टू थ्री, डन हो गया। ओके, चलिए, तो अब बात आती है कि सैंपल जो है वो एक सॉइल मास है, उस सॉइल मास का हम यूज क्या करते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। अब ये जो सैंपल है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्टर्ब और एक होता है अनडिस्टर्ब। जिसमें सॉइल का स्ट्रक्चर, नेचुरल स्ट्रक्चर या ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल इज डिस्टर्ब, उसे बोलेंगे डिस्टर्ब सॉइल सैंपल, इसे रिप्रेजेंटेटिव के नाम से भी जाना जाता है। और एक होता है अनडिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब जिसको बोलते हैं जिसमें सॉइल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं अनडिस्टर्ब। तो अब आते हैं अपन डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब पे, डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब पे। तो लिखियो होगा पहले, सबसे पहले डिस्टर्ब रुकना एक बार, तो मतलब मैक्सिमम जितने भी होते हैं, मैक्सिमम जितने भी होते हैं आपके जो प्रॉपर्टी, चाहे बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ, वाटर कंटेंट हुआ, पार्टिकल साइज हुआ, ये सभी किससे निकालते हैं, अनडिस्टर्ब से निकालते हैं मैक्सिमम। तो एक टेबल बना लेना, एक टेबल बना लेना आप,
मैं उसके अंदर आपको लिखा देता हूं। देखिए, लिखिएगा इसके अंदर टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है। पहला नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट। सेकंड लिखिएगा डेंसिटी। थर्ड लिखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। फोर्थ लिखिएगा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ लिखिएगा अटरबर्ग लिमिट्स, मतलब कंसिस्टेंसी लिमिट, अटरबर्ग्स लिमिट जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। नेक्स्ट लिखिएगा कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी, कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी। और नेक्स्ट लिखिएगा कंसोलिडेशन पैरामीटर, कंसोलिडेशन पैरामीटर। और नेक्स्ट जो है शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। ये जनरली जो है पूछे जाने वाले हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ टेस्ट, वाटर कंटेंट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेन साइज हो गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ परमियबिलिटी हो गया, और कंसोलिडेशन हो गया, शेयर स्ट्रेंथ हो गया। इनके लिए ये इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है, इनके लिए किस तरह का सैंपल चाहिए, डिस्टर्ब चाहिए या अनडिस्टर्ब चाहिए, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। तो वाटर कंटेंट, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, सैंपल वाटर कंटेंट के लिए अनडिस्टर्ब्ड, डेंसिटी के लिए भी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। अगर बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, इसमें दोनों ले सकते हैं, इसमें रिप्रेजेंटेटिव भी ले सकते हैं और अनडिस्टर्ब भी ले सकते हैं। और अनडिस्टर्ब्ड रिप्रेजेंटेटिव और अनडिस्टर्ब्ड, ग्रेन साइज के लिए भी सेम रिप्रेजेंटेटिव और अनडिस्टर्ब्ड ले सकते हैं, ग्रेन साइज के लिए भी। अटरबर्ग लिमिट के लिए भी सेम रिप्रेजेंटेटिव या अनडिस्टर्ब, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी के लिए अनडिस्टर्ब लेते हैं और नीचे वाले दोनों के लिए भी अनडिस्टर्ब लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सैंपल किसके लिए होगा ये लिख लीजिएगा, नेचुरल वाटर कंटेंट या वाटर कंटेंट के लिए अनडिस्टर्ब, डेंसिटी के लिए अनडिस्टर्ब, स्पेसिफिक ग्रेन साइज के लिए अनडिस्टर्ब, डिस्टर्ब दोनों, अटरबर्ग लिमिट के लिए भी अनडिस्टर्ब डिस्टर्ब दोनों, बाकी सभी के लिए कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी, कंसोलिडेशन और शेयर स्ट्रेंथ के लिए अनडिस्टर्ब लेते हैं। क्या बोल रहे हो, बोथ लिखा है ना ब्लैंक में, हाँ ये दोनों, ये तीन जो है ये डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब दोनों से और नीचे वाले सारे अनडिस्टर्ब से। नहीं, नेचुरल वाटर कंटेंट में अनडिस्टर्ब लिखा है, अनडिस्टर्ब ही होता होगा जहां तक है, क्योंकि यार ये तो एक एक्सपेरिमेंट करा होगा उन्होंने, वहां से निकाल के देखा होगा। डिस्टर्ब्ड भी ले सकते हैं, वैसे तो सही कह रहे हो, डिस्टर्ब भी हो सकता है, नेचुरल वाटर कंटेंट में भी डिस्टर्ब भी ले सकते हैं।
परमेबिलिटी हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, शेयर स्ट्रेंथ हुआ, वाटर कंटेंट हुआ, इसमें भी अनडिस्टर्ब लेते हैं, तो इसको लिख सकते हो, डिस्टर्ब भी लिख सकते हो, मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट में डिस्टर्ब भी ले सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है बेटा डिस्टर्ब्ड। और रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए होता है वो चाहो तो लिख देना, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज फॉर आइडेंटिफिकेशन, इज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है। आइडेंटिफिकेशन पर्पस देखो यहां पे कैसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें देखनी है, आइडेंटिफाई करनी है, ग्रेन साइज को आइडेंटिफाई करना है, कोर्स ग्रेन है, फाइन ग्रेन है, और लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है। ठीक है, इसको लिखिएगा, पूछ ले तो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है, चाहे पार्टिकल साइज की बात करें, चाहे कंसिस्टेंसी लिमिट की बात करें, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करना है, हमें पता करना है चीजों का कि ये जो सॉइल के ग्रेन साइज एनालिसिस या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी सॉइल है। ऊपर लिखा टाइप ऑफ टेस्ट, तो यहां पर लिखो टाइप ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड उन टेस्ट करने के लिए कौन सा सैंपल चाहिए, टाइप ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड लिख दो। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव और अनडिस्टर्ब्ड सेम नहीं है, डिस्टर्ब्ड और रिप्रेजेंटेटिव सेम है। हर्ष प्रताप, यहां पे अपने लिखा था ना इससे पहले का स्लाइड देखी हो आपने, तो डिस्टर्ब्ड को ही रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, अनडिस्टर्ब्ड तो पूरी अलग है। डिस्टर्ब को बोला था रिप्रेजेंटेटिव, पहले ऊपर मैंने लिखा था जाके, दो पॉइंट लिखे थे डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब, डिस्टर्ब में मैंने लिखा था, डिस्टर्ब को ही बोलते हैं अपन रिप्रेजेंटेटिव, अनडिस्टर्ब अनडिस्टर्ब ही होता है। चलें, हाँ डिस्टर्ब को तो बोला था, डिस्टर्ब को तो बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। यहां पे देख लो कि रिप्रेजेंटेटिव का एक वर्ड याद रखना कि रिप्रेजेंटेटिव जो होता है डिस्टर्ब्ड सैंपल आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है। अब यहां पे अपन आते हैं सैंपलर पे, सैंपलर, सैंपलर क्या होता है, सैंपलर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू टेक सैंपल, इट इज अ डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, विच इज यूज टू टेक सैंपल ऑफ अ सॉइल मास। सर ये वो डिवाइस होती है या वो एक मोल्ड होता है जिसके थ्रू हम सैंपल निकालते हैं, जिसके थ्रू हम सैंपल निकालते हैं। होगा कैसा सर, वही सिलेंड्रिकल होगा, होगा कैसा सिलेंड्रिकल ही होगा। तो सैंपलर क्या है, जिसके द्वारा हम सैंपल निकालते हैं उसे हम बोलते हैं सैंपलर, और जो निकाल रहे हैं मिट्टी का नमूना उसे बोलते हैं सैंपल। क्लियर हुआ, सैंपलर एंड सैंपल के अंदर। डन, अब देखिएगा यही लिखिए, सैंपलर आर ऑफ टू टाइप्स, सैंपलर दो तरह के होते हैं, सैंपलर आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है थिक वॉल सैंपलर, थिक वॉल सैंपलर जिसे बोलते हैं स्प्लिट स्पून, कहां पड़ा था, स्प्लिट स्पून सैंपलर कहां पड़ा था,
याद आया, एसपीटी के अंदर। और दूसरा होता है थिन वॉल सैंपलर। देखो क्या कहते हैं कि जो थिक वॉल सैंपलर है ये यूज होता है किसके लिए, ये यूज होता है डिस्टर्ब्ड सैंपलिंग के लिए, और थिन वॉल होता है अनडिस्टर्ब के लिए। तो एक पॉइंट और लिख दो, इट इज यूज फॉर टेकिंग डिस्टर्ब्ड सैंपल। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, और थिक होने की वजह से ये सॉइल स्ट्रक्चर को क्या कर देती है, हिला देती है। थिन वॉल इसका थिकनेस जो होती है वो कम होती है, तो इट इज यूज फॉर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ये किसके लिए होता है, डिस्टर्ब्ड और ये अनडिस्टर्ब के लिए। एसपीटी में लिखा था अपन ने, प्लेट रोड में। थिन वॉल सैंपलर और थिक वॉल सैंपलर, थिक को ही बोलते हैं स्प्लिट स्पून सैंपलर, डिस्टर्ब सैंपल के लिए होता है, और थिन वॉल अनडिस्टर्ब के लिए होता है। चले अब आते हैं अपन पहले पे, फर्स्ट इज थिक वॉल सैंपलर। सब चीज पता चल गई, डिस्टर्ब के लिए होता है थिक वॉल। इसमें दो तीन बातें लिख दो, वो पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल डाया, एक्सटर्नल डाया कितना होता है इसका, 50.8 से 125 mm। इंटरनल डाया भाई सिलेंड्रिकल वेसल होता है, एक्सटर्नल इंटरनल दो डाया होंगे। इंटरनल डाया जो है उसका 38 से 101.6 mm होता है। लेंथ जो होती है ये 60 सेंटीमीटर होती है, नोट करिएगा थिक वॉल सैंपलर की। इसी तरह से दूसरी भी नोट कर लीजिए, किसकी, थिन वॉल सैंपलर, ये अनडिस्टर्ब्ड के लिए होता है। थिन वॉल अनडिस्टर्ब के लिए होता है, तो इसमें लिखिएगा एक्सटर्नल डाया जो है वो कितना होता है आपका, 40 से 125 mm होता है, 40 से 125 mm होता है। और जो थिकनेस जो होती है, थिकनेस ऑफ वॉल वो कितनी होती है इसकी, 1.25 से 3.15 mm होती है। थिकनेस बहुत कम होती है भाई, वॉल तो होगी तभी तो जिसको हम पंच करेंगे, ये कुछ इस तरह का होता है, डायग्राम में बनाऊंगा अभी, एक तरफ बना देता हूँ आपके सामने डायग्राम। इसको जब हम पंच करेंगे तो ये थिकनेस तो होगी तभी तो इसके अंदर सॉइल मास अपनी आ पाएगी। तो थिकनेस इसमें कम होती है, इसमें थिकनेस ज्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि थिन वॉल सैंपलर अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, तो 1.25 कितना हो गया, बहुत माइन्यूट हो गया। बिल्कुल ब्लेड के आसपास शार्प हो गया, एक तरह से ब्लेड से थोड़ा ही ज्यादा मोटा मानो, बाकी तो है ना बिल्कुल शार्प हो गया। मतलब बिल्कुल पतली सी एक प्लेट होती है, उस प्लेट को हम क्या करते हैं, ग्राउंड में पंच कर देते हैं। थिक वॉल में कितना, तो इंटरनल एक्सटर्नल का डिफरेंस पता कर लो, पता चल जाएगा। 50 और 38 कितना हो गया, 12, तो यहां से दो यहां से हो गया 12, 12 13 के समथिंग है ना। इंटरनल एक्सटर्नल के बीच के डायमीटर को बोल सकते हैं ना, थिकनेस आ जाएगी भाई। ये डायमीटर दे रखा है, ये बाहर का दे रखा है हमें,
और अंदर का दे रखा है, तो माइनस कर दोगे तो थिकनेस आ जाएगी। ये क्या होगी थिकनेस, देख लो ये कितने 12-13 के आसपास है, 12-13 mm नहीं होगी, और ये कितना 1 mm। चलिए अब उससे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, नोट कर लिया सभी ने, जल्दी बताओ एरिया रेशियो इनसाइड क्लियरेंस और आउटसाइड क्लियरेंस पे, इस पे आते क्वेश्चन और इस पे आते न्यूमेरिकल। डन, तो देखिएगा अब हम डायग्राम बना रहे हैं आपके सैंपल का, सैंपलर का, देखना बड़े ध्यान से उसको। ठीक है, यहां पे देखना है, इसको बोलते हैं सैंपल ट्यूब, इसको बोलते हैं सैंपल ट्यूब। जो थिकनेस विकनेस बात कर रहे हैं अपन, वो इसकी थिकनेस की बात हो रही है, ये हमारी सैंपल ट्यूब। और ये जो है हमारा ये ड्राइविंग शू होता है, मतलब ये पंच करने के लिए हेल्प करता है, ये क्या करता है पंच करने के लिए हेल्प करता है। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिख दीजिएगा कटिंग एज और ड्राइविंग शू, जो मिट्टी के अंदर जब अपन इसको पंच करते हैं उसके लिए काम आता है, कटिंग एज और ड्राइविंग शू। अब इसमें लिखिएगा बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, D1 जो होता है ये वाला डायमीटर होता है इस कटिंग एज का, D2 जो होता है आउटर डायमीटर होता है इस कटिंग एज ड्राइविंग शू का, D3 जो होता है ये सैंपलर ट्यूब का इनसाइड होता है, और D4 होता है ये सैंपलर ट्यूब का आउटसाइड होता है। ठीक है, ये लिखो, D1 लिखोगे इनसाइड डाया ऑफ कटिंग एज, D2 लिखोगे आउटसाइड डाया ऑफ कटिंग एज, D3 लिखोगे इनसाइड डाया ऑफ सैंपल ट्यूब, और D4 इज द आउटसाइड डाया ऑफ सैंपल ट्यूब। नोट करिएगा, ठीक है, ये इसकी इमेज है, इसको हम पंच करते हैं एक फेयरली लेवल ग्राउंड के अंदर, इसको पंच करते हैं, और पंच करने के बाद हम यहाँ से इसमें सैंपल आ जाता है, उस सैंपल को हम टेस्टिंग मशीन पे लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं सैंपलिंग ट्यूब, और ये होता है कटिंग एज और ड्राइविंग शूज, D1, D2, D3 और D4। चलिए, हो गया नोट सभी का, अब फॉर्मूले लिखने हैं इनसाइड क्लियरेंस और आउटसाइड क्लियरेंस। तो आइएगा, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं हम इनसाइड क्लियरेंस। इनसाइड क्लियरेंस, इनर डायमीटर कौन सा है, D3 D1, तो D3 माइनस D1 अपॉन में D1 इंटू 100, बैक करें, लो लिखो फिर, हाँ इसके बाद अपन
एक्सप्लोरेशन के अंदर ये सैंपलर ही आता है बेटा, सैंपल और सैंपलर ही आता है, और स्टेबलाइजेशन इसके बाद अपन करेंगे। ये कोई सा भी हो सकता है बेटा, कोई सा भी हो सकता है, ये तो अपन एरिया रेशियो की बात कर रहे हैं, थिन हो या थिक हो कोई सा भी हो सकता है, सब में डायमीटर होगा इनर आउटर, ठीक है। हो गया अब या रुके हैं? देखो इनसाइड क्लियरेंस है तो D3 माइनस D1 अपॉन में D1 इनटू 100 इनसाइड क्लियरेंस। फॉर्मूला क्या होता है इसका? D3 माइनस D1 अपॉन में D1 इनटू 100, ये इनसाइड क्लियरेंस का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू जो होती है 0.5 से 3% के बीच होती है, 0.5 to 3% के बीच होगी, किसकी? इनसाइड क्लियरेंस। अब आते हैं आउटसाइड क्लियरेंस। आउटसाइड क्लियरेंस, आउटर में डायमीटर कौन सा है? आउटर में डायमीटर कौन सा है? D2 और D4, तो D2 माइनस D4 अपॉन में D4, ठीक है। तो क्या हो गया? D2 माइनस D4 अपॉन में D4 इंटू 100, ये किसका हो गया? आउटसाइड क्लियरेंस का फॉर्मूला, ठीक। इसकी वैल्यू 0 से 2% होती है, 0 टू 2%, किसके बीच में होगी? 0 टू 2% के बीच में होगी आउटसाइड क्लियरेंस, और इनसाइड क्लियरेंस आपकी 0.5 से 3%। फिर आते हैं एरिया रेशियो, इस पे आता है आपका एसएससी में न्यूमेरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव। एरिया रेशियो पे, एरिया रेशियो जो होता है D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन में D1 स्क्वायर इंटू 100, इसको बोलते हैं एरिया रेशियो। D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन में D1 स्क्वायर इंटू 100, और एरिया रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए, ठीक है। फॉर अनडिस्टर्ब सैंपल द एरिया रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10। एरिया रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इन जनरल कितना होता है? नॉट ग्रेटर देन 25%। अनडिस्टर्ब सैंपल और सेंसिटिव क्ले के लिए, अनडिस्टर्ब सैंपल बोल दे या सेंसिटिव क्ले बोल दे बात, या फिर सेंसिटिव क्ले, क्ले के लिए इसकी वैल्यू कितनी? 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इन जनरल में 25% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी लिमिट है, ये इसकी लिमिट है, और ये एरिया रेशियो की बातें हैं। इस पे आता है न्यूमेरिकल, याद रखिएगा न्यूमेरिकल आता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला पूछता है। न्यूमेरिकल में D1 D2 की वैल्यू दे रखी होती है, पर आपको क्या निकालना होता है? एरिया रेशियो कैलकुलेट करना होता है। D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन में D1 स्क्वायर। हाँ, इसके अलावा केस में 25 ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी अनडिस्टर्ब के अलावा, डिस्टर्ब हो या कोई भी कंडीशन हो उसके अंदर 25 ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अनडिस्टर्ब के अंदर स्पेशली 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एसएससी में या किसी स्टेट एग्जाम में। हो गया रेशियो किसको डिनोट करते हैं? आर से करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। इनसाइड क्लियरेंस आर आई लिख दो, आर आउट लिख दो, ठीक है।
नीचे वाला डिस्टर्ब के लिए, या इन जनरल अगर कुछ नहीं बोलता तो वो अपने को 25 लेना, अगर बोलता है स्पेस डिस्टर्ब या सेंसिटिव अनडिस्टर्ब या सेंसिटिव के लिए तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एरिया रेशियो लिखा है ए आर, रेशियो तो आर होगा ना बेटा, ए सी कैसे हो जाएगा, ए आर होगा ना ये। ठीक है, आइएगा अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। यूनिट कौन सा हो गया 16, सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल स्टेबलाइजेशन। इसमें से भी एक आधे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। ठीक है, ठीक है, सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें तो सॉइल स्टेबलाइजेशन का मतलब है वीक और पुअर सॉइल को। बस एक पेज और बाकी है, चार पॉइंट बाकी है। वीक और पुअर सॉइल को क्या करना है, उसको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को एनहेंस करना है, मतलब बियरिंग कैपेसिटी, शेयर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन करते हैं। स्टेबलाइजेशन सीमेंट का होता है, लाइम होता है, कंक्रीट होता है, बिटुमिन होता है, मैकेनिज्म मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन होता है, तो कई तरह से स्टेबलाइजेशन होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इतने इतने से बेटा, दो दो पेज के, एक पेज के ही। ठीक, तो स्टेबलाइजेशन का मतलब लिखो पहले, तो स्टेबलाइजेशन का मीनिंग लिखो, टू इंक्रीज द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ, टू एनहांस लिखो, एनहांस द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ वीक एंड पुअर सॉइल, वीक एंड पुअर सॉइल, टू एनहांस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी वीक एंड पुअर सॉइल इज डन बाय स्टेबिलाइजेशन। टू एनहेंस द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ वीक एंड पुअर सॉइल इज डन बाय स्टेबिलाइजेशन। और कौन सी प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो कौन सी प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है सॉइल की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर मिक्सिंग करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, श्रीकांत आउटसाइड, आउटसाइड में 0 से 2%, इसमें 0.5 से 3%। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को एनहांस करना है। कोई सॉइल है भाई, वो कैसी है, वो वीक है, वहां पे अगर मैं अपना स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैंने सॉइल का टेस्ट किया, बियरिंग कैपेसिटी निकाली पर वो कम आ रही है, तो जितना लोड आ रहा है उतना लोड को बियर नहीं कर पाएगी, तो अब क्या उस जगह को छोड़ दें? नहीं सर, उस पर तो घर बनाना ही है, उस पर तो बिल्डिंग बनानी ही है। तो क्या करना होगा, उस प्रॉपर्टी, उस सॉइल की प्रॉपर्टी को एनहांस करना होगा। तो उस एनहांस करना, उस बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, सॉइल स्टेबिलाइजेशन करते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे बढ़ती है, तो मेथड्स होते हैं स्टेबलाइजेशन के। ठीक, ये मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक था, वेरी गुड। चलिए, तो यहां पे लिखिएगा स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, स्टेबिलाइजेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय फर्स्ट मेथड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। लिखिएगा, पहला मेथड मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन, इस पे क्वेश्चन आया एसएससी में, मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन। सेकेंड लिखिएगा लाइम स्टेबिलाइजेशन, लाइम स्टेबिलाइजेशन। फिर लिखिएगा बिटुमिन स्टेबिलाइजेशन, बस ये चार ही पढ़ने हैं और फिर ओवर। और लास्ट है अपना सीमेंट स्टेबिलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबिलाइजेशन, लाइम स्टेबिलाइजेशन,
एंड विटामिन और सीमेंट, ये स्टेबलाइजेशन वीक है बिल्कुल. टू एनहांस द इंजरिंग प्रॉपर्टी ऑफ वीक एंड पुअर सॉइल इज डन बाय स्टेबलाइजेशन. WEAK होता है वो, हाँ लिख दो, वीक एंड पुअर सॉइल. क्या बोल रहे हो श्रीकांत, कहाँ पे हो आप ये बताओ, पुराने वाले टॉपिक पे अटके हो गया अभी, बताओ क्या डाउट है. क्लियरेंस का मतलब होता है, अरे कोई साइड पे जाते हैं, एक वर्ड सुनना, साइड क्लियरेंस होता है, जिस भी हम साइड पे जा रहे हैं उस साइड क्लियरेंस की बात करके वहां पे आसपास को क्या कर देना है, हमें चीजों को हटा देना है साइड क्लियरेंस. इसी तरह से वो क्लियरेंस की बात कर रहा है, कितना डिस्टेंस है उसके अंदर, वो क्लियरेंस की बात कर रहा है. इनसाइड टू इनसाइड और आउटसाइड टू आउटसाइड, कितना क्लियरेंस है, मतलब कितना उसके अंदर सॉइल फिल हो सकता है, उसको बोलते हैं इनसाइड क्लियरेंस आउटसाइड क्लियरेंस. और बताओ, आउटसाइड वाले बेटा आउटसाइड कर लेंगे ना, तो मैं बात कर रहा हूं मुझे एज रूम है, रूम में मुझे आउटर से आउटर मेजर करना है, तो बाहर का एरिया लूंगा मैं. जब मैं कहूंगा रूम से इनर मेजर करना है, तो मैं कारपेट एरिया लूंगा या फ्लोर एरिया लूंगा. बात समझ में आ रही है, आउटसाइड तो बाहर से लूंगा, अगर मैं अंदर से ही ले लिया तो आंसर किसका आ जाएगा, सर अंदर का, और आपने क्या लिख रखा था आउटसाइड, तो आउटसाइड तो बाहर टू बाहर होगा, इनसाइड तो अंदर से अंदर होगा. क्लियर हुआ, और बताओ. जीरो से स्टार्ट होगी बेटा, जीरो से स्टार्ट होती है रेंज, ये कह रहे हैं. हाँ, कितने डेप्थ के नीचे सॉइल सैंपल लेते हैं भाई, 3 से 4 फीट के नीचे लेंगे. क्यों? क्योंकि हमें उस नेचुरल स्ट्रक्चर का लेना है, हमें नेचुरल स्ट्रक्चर का हमें प्रिजर्व करना है. टॉप से नहीं लेंगे, टॉप पे तो क्या है कि अगर आप चल रहे हैं तो आपका लोड लग रहा है, या कहीं किसी ने कोई चलता है तो क्या मिट्टी वहां से हट गई, या कोई पेबल्स है ऊपर, तो हम क्या करेंगे एक सर्टेन डेप्थ पे 4 से 5 फीट पे अपन नीचे से अपन एक सैंपल लेंगे, 1 से 2 फीट पे भी ले सकते, मगर टॉप सॉइल का नहीं लेंगे, ऊपर से नहीं लेंगे, कुछ डेप्थ को हटा के उसके बाद अपन वहां से क्या लेंगे सैंपल लेंगे, ताकि वो नेचुरल स्ट्रक्चर मिल सके, उसकी नेचुरल कंडीशन मिल सके. ठीक है, अब आते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन. ये अपने SSC में क्वेश्चन था, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं. रीजन क्या है गलत करने का, कि सर मैकेनिकल है मतलब कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई इंपैक्ट लग रहा होगा, तो वो बिल्कुल गलत है. मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है, एक वर्ड आता है यहाँ पे प्रॉपर ग्रेडिंग, बस ये वर्ड को पकड़ना है. मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर ग्रेडिंग. मैकेनिकल का मतलब कोई मशीन से नहीं है, कोई लोड से नहीं है, कोई इंपैक्ट से नहीं है, कोई हैमर से नहीं है, इसका मतलब होता है प्रॉपर ग्रेडिंग. मतलब अगर सॉइल वहां पे कैसी है, वीक है, उसको स्टेबलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल का यूज करेंगे. वेल ग्रेडेड सॉइल का मतलब क्या होता है, जिसमें अलग अलग साइज, डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसको यूज करेंगे, उसको मिक्स कर देंगे और फिर उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे वहां पे, तो वो कैसा होगा, वो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन कहता है. तो मतलब मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन प्रॉपर ग्रेडिंग होगा, अलग अलग टाइप की सॉइल होगी, अलग अलग साइज की सॉइल होगी तो इंटरलॉकिंग होगी बढ़िया से, इंटरलॉकिंग होगी बढ़िया से, एक ही टाइप की सॉइल होगी तो वो स्लाइड करेगी, तो प्रॉपर ग्रेडिंग होता है, तो इसलिए गलत हो जाता है और यही क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं. मैकेनिकल का मतलब होता है प्रॉपर ग्रेडिंग, वो जो सॉइल है उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग करनी होती है, मतलब उसके अंदर वेल ग्रेड सॉइल को मिक्स करना होता है, तो वर्ड होता है प्रॉपर ग्रेडिंग, इसका मतलब होता है वेल ग्रेडेड बनाना है उसको. ठीक है, या वेल ग्रेड सॉइल मिक्स करनी है. नोट कर लिया सभी ने, ये बताओ. ठीक है, डन करें, आ जाइए. तो पहला अपन चलते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन पे, पहला चलते हैं अपन मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन. ये क्वेश्चन अपने से पूछा गया है इसलिए हमें पता होना चाहिए. इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इन दिस method of stabilization
प्रॉपर ग्रेडिंग इज डन, प्रॉपर ग्रेडिंग ये वर्ड है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लेना, प्रॉपर ग्रेडिंग इज डन। नीचे लिखिएगा द वीक और पुअर सॉइल, द वीक और पुअर सॉइल इज मिक्स्ड विद, इज मिक्स्ड विद वन और मोर देन वन, मोर देन वन डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स इन इट। Particles in it, ठीक है, to make a well graded soil, to make a well graded soil, तो proper grading कर देते हैं, मतलब different different size के सर particle उसमें mix कर देते हैं और उस weak soil को well graded soil बना देंगे, और well graded soil की क्या होगी सर, well graded soil की strength ज्यादा होगी किससे, poorly graded या uniformly graded soil से। clear हुआ, लिखिएगा मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में। मिक्स के आगे क्या लिखा है, मिक्स्ड विद वन और मोर देन वन डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, मिक्स्ड विद वन और मोर देन वन डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ये वर्ड याद रखिएगा, प्रॉपर ग्रेडिंग होती है, ये वर्ड आता है एक वर्ड प्रॉपर ग्रेडिंग, जिसका मतलब होता है कि अलग अलग साइज के पार्टिकल को मिक्स कर देते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ एनहांस हो जाती है। वीक और पुअर सॉइल, अरे क्या हो गया, आपको समझ में आ गया ना, तो क्या दिक्कत है, वीक और पुअर सॉइल इज मिक्स विद वन और मोर देन वन डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स इन इट टू मेक अ वेल ग्रेडेड, ठीक है। अब आते हैं अपन लाइम स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया लाइम स्टेबलाइजेशन। लाइम स्टेबलाइजेशन क्या होता है, क्लेई हाईली प्लास्टिक या ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए, किसके लिए किया जाता है, क्लेई हाईली प्लास्टिक या ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए किया जाता है। अब जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर हम लाइम को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल का मतलब 10 mm का भी है, 12 mm का भी, 4 mm का भी, 3 mm का भी, 7 mm का भी है, हर साइज के पार्टिकल जिसे हम कहते थे वेल ग्रेडेड, पढ़ लिया था अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड में, वेल ग्रेडेड सॉइल ग्राफ भी बनाए थे, वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड के ग्राफ बनाए थे, कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन गैप ग्रेडेड, तब वहां मैंने बताया था, ठीक है। आओ फिर बात करते हैं लाइम स्टेबलाइजेशन, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, लाइम स्टेबलाइजेशन क्वेश्चन क्या आता है, पहला तो कि लाइम स्टेबलाइजेशन इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, तो हाईली प्लास्टिक क्ले और ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए किया जाता है। दूसरी बात, लाइम स्टेबलाइजेशन के अंदर जो भी स्टेबलाइजेशन, जहां भी सॉइल वीक है उसके अंदर लाइम को मिक्स कर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं लाइम स्टेबलाइजेशन, और ये 4-6% होता है वेट ऑफ सॉइल मास के, जिस भी सॉइल मास का स्टेबलाइजेशन कर रहे हो, जिसको निकालोगे उस सॉइल मास को, उसका लाइम मिक्स करोगे फिर उसको डालोगे, जितना वेट है, जितना हमने एक्सकेवेट किया, भाई मेरा एक प्लॉट है, मेरा सर ये प्लॉट एरिया है और ये हमारी सॉइल वीक है, मैंने खरीद तो लिया पर मुझे अब यहाँ पे बनाना है, पर वो बना नहीं पाएंगे, अगर मुझे 4 मंजिल बनाना है तो सर वो इतना लोड नहीं ले पा रहा, मैंने चेक करवाया था उसकी प्रॉपर्टी, तो यहां से मैंने मिट्टी निकालना स्टार्ट करी, तो जितनी मिट्टी मैं यहाँ पे आउट करूंगा उस वेट का कितना 4-6% क्या कर दूंगा, लाइम को ऐड कर दूंगा, उस वेट का 4-6% क्या कर दूंगा, लाइम का ऐड कर दूंगा। तो हाईली प्लास्टिक सॉइल हो गया, क्लेई सॉइल हो गया, ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया, ये अलग अलग वर्ड आते हैं, है ना, तो अपने सारे को पता होना चाहिए हाईली प्लास्टिक सॉइल के लिए किया जाता है। समझ में आया, ये जो डायग्राम मैंने बनाया कि यहां से हम जो वेट निकालेंगे मिट्टी का, उस मिट्टी के वेट के 4-6% उसमें लाइम ऐड करेंगे और फिर वापस उसको फिल करेंगे, फिल करेंगे और फिर कॉम्पैक्ट करेंगे, बिल्कुल लाइम ऐड करने वाला स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, स्टेबलाइजेशन के अंदर कर क्या रहे हैं, स्ट्रेंथ इधर इंक्रीज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग ग्राउंड की,
कर क्या रहे हैं स्टेबलेशन में, सभी के अंदर, चाहे मैकेनिकल करो, चाहे लाइम करो, चाहे बिटुमेन करो, चाहे सीमेंट करो, कर क्या रहे हैं, सर स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं। तो लाइम स्टेबलाइजेशन के अंदर आप लिखिएगा टू इंप्रूव दी स्ट्रेंथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग सॉइल बाय एडिंग लाइम इन इट इज कॉल्ड लाइम स्टेबिलाइजेशन। लाइम स्टेबिलाइजेशन क्या कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है, किसके द्वारा, लाइम के द्वारा, उसे कहा जाएगा लाइम स्टेबलाइजेशन। क्या कहा जाएगा, लाइम स्टेबलाइजेशन। इट इज यूज्ड फॉर हाईली प्लास्टिक सॉइल, क्लेई सॉइल, प्लास्टिक कौन सी, क्लेई सॉइल होगी, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो एक वर्ड याद रखना, कौन सा, हाईली प्लास्टिक सॉइल या प्लास्टिक सॉइल के लिए यूज किया जाता है। तो क्लेई सॉइल भी कैसी है, प्लास्टिक सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया, ये सभी क्या है, इनके लिए इसे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा इसके अंदर, नेक्स्ट लिखिएगा 4 to 6% ऑफ लाइम, 4 to 6% ऑफ लाइम इज एडेड विद रिस्पेक्ट टू एडेड विद रेस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास। तो कितना ऐड करते हैं, 4 to 6% लाइम ऐड करते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, बता देंगे, रुक जाओ सौरभ, पहले ये हो जाए उसके बाद बताना। तो यहां पे क्या है, लाइम के अंदर, लाइम में अगर जो एक्सिस्टिंग सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ अगर कम है, तो स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एनहांस करने के लिए हम उसमें लाइम ऐड कर देते हैं। और लाइम ऐड करने थे किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए, हाईली प्लास्टिक सॉइल, मतलब क्लेई सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर अपन करते हैं। दूसरा कि कितना ऐड करते हैं, 4 to 6% लाइम ऐड करते हैं, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, जितने का भी स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, मास जितनी मिट्टी निकालेंगे उस मिट्टी का 4 to 6% ऐड करके फिर उसको आप इस क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। दो पॉइंट और बचे हैं, रुक जाओ, बिटुमिन बचा है, बिटुमिन के बाद में आपका सीमेंट बचा है। लिमिट लिखे नहीं है बेटा, ये कितना प्रतिशत ऐड करना है वो लिखे हैं बेटा, ये लिमिट नहीं है। 4 to 6% ऑफ लाइम इज एडेड, एक्सप्लोरेशन तो बेटा खुदा ही होता है, वो डेटोनेटर वेटोनेटर वो सब वहां पे दिखेंगे, दो तीन चलो चीजें मैं फिर भी लिखवा दूंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ का टॉपिक नहीं है। सॉइल स्टेबलाइजेशन होता है और एक्सप्लोरेशन के अंदर हम पढ़ते हैं सैंपल, सैंपल और सैंपलर वो एक्सप्लोरेशन का ही पार्ट है। एक्सप्लोर हमको क्या करना है, हमें तो वहां सैंपल लेना है, अब कैसे टूटेगा वो थोड़ी, हमें तो उसका सैंपल लेके आना है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अपन थर्ड पे, बिटुमिन स्टेबलाइजेशन। अब बिटुमिन मिलाई जाती है किसमें, बिटुमिन किसमें मिलाते हैं, अरे जब हमारे रोड बनती है मतलब ग्रेवल में मिलाते हैं, नहीं मिलाते, बिटुमिन कहाँ मिलती है, फाइन में थोड़ी मिलती सर, ग्रेवल्स में मिलती, कंक्रीट में मिलाते हैं अपन। ठीक है, मतलब जो आपके एग्रीगेट होते हैं बड़े एग्रीगेट उसमें मिलाते हैं बिटुमिन और फिर उसको रोड में बिछा देते हैं। तो इसी तरह से बिटुमिन किसके लिए होता है, ग्रेवली या डेजर्ट सॉइल के लिए होता है।
ठीक है, उसमें विटामिन जो मिलाते हैं वो कौन सा मिलाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कटबैक विटामिन मिलाते हैं, इमल्शन मिलाते हैं, टार मिलाते हैं, मतलब जिसकी विस्कोसिटी कम हो, ठीक है, वो वाला ऐड करते हैं। तो लिखिएगा द स्टेबलाइजेशन इज डन फॉर दिस स्टेबलाइजेशन, दिस स्टेबलाइजेशन इज डन फॉर ग्रैनुलर सॉइल, सॉइल और डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल क्योंकि वाटर नहीं होता वहां पे, वाटर लेवल बहुत डाउन होता है, जिसके कारण क्या होगा, स्ट्रिपिंग नहीं होगी, वो उखड़ेगा नहीं, क्योंकि विटामिन की प्रॉपर्टी होती है ना, वाटर के आते ही वो उखड़ जाता है, तभी तो रोडे खराब हो जाती है। तो ग्रैनुलर सॉइल और डेजर्ट सॉइल, इन दिस स्टेबिलाइजेशन बिटुमिन इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ कटबैक विटामिन, इमल्शन एक्सेट्रा, मतलब जिसकी विस्कोसिटी कम हो। कम विस्कोसिटी वाला विटामिन, डामर बोलते हैं जिसे, कम विस्कोसिटी वाला हम विटामिन यूज करते हैं ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो ग्रैनुलर और डेजर्ट सॉइल के लिए होता है, मतलब याद रखिएगा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए एक तरह से, और कटबैक किस फॉर्म में मिलाते हैं, कटबैक मतलब इनकी विस्कोसिटी कम होती है। हाईवे में पड़ा है कटबैक विटामिन, इसकी विस्कोसिटी हम कम कर देते हैं, उसे बोलते हैं कटबैक विटामिन, मतलब लिक्विड फॉर्म वाला विटामिन हम इसमें यूज करते हैं। टार भी बोल सकते हैं, टार भी पतला ही होता है। सीमेंट स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, सीमेंट स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, नोट हो गया आपका। इमल्शन, EMULSION, इमल्शन, ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका ये सीमेंट स्टेबलाइजेशन, सीमेंट स्टेबलाइजेशन। सीमेंट स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें तो सीमेंट स्टेबलाइजेशन किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए होता है, हाईली प्लास्टिक सॉइल को छोड़ के बाकी सभी सॉइल के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट स्टेबलाइजेशन करते हैं। विकी कहते हैं सर ग्रेनुलर सॉइल का मतलब क्या है, बेटा कोर्स ग्रेन सॉइल को बोलते हैं ग्रेनुलर सॉइल, ठीक है। सीमेंट स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि इसमें सीमेंट ऐड करेंगे, पर किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए, हाईली प्लास्टिक सॉइल को छोड़ के बाकी सभी सॉइल के लिए हम सीमेंट स्टेबलाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और कितना मिलाते हैं, 5% मिलाते हैं। तो इसमें लिखिएगा फोर्थ जो था आपका सीमेंट स्टेबलाइजेशन, एक्सेप्ट हाईली प्लास्टिक सॉइल, एक्सेप्ट हाईली प्लास्टिक सॉइल, इन ऑल अदर सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन इज डन, इन ऑल अदर टाइप ऑफ सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन इज डन इज यूज्ड, ठीक है, एक्सेप्ट हाईली प्लास्टिक सॉइल को छोड़ के सभी के अंदर यूज करते हैं। टेक 5% सीमेंट बाय द वेट ऑफ सॉइल मास, उस सॉइल मास जो भी एक्सकेवेट किया है, जिसको हमको स्टेबलाइज करना है, उसके अंदर एक्सेप्ट हाईली प्लास्टिक सॉइल, हाईली प्लास्टिक सॉइल को छोड़ के बाकी सभी टाइप ऑफ सॉइल का हम सीमेंट स्टेबलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। 5% देना है हमें वेट ऑफ सॉइल मास के, जितना भी वेट है सॉइल मास का,
उसमें 5% सीमेंट ऐड कर देना है और उसे क्या कर देना है, फिर हमें प्लेस कर देना है उस जगह पे दोबारा से, उस जगह दोबारा से हमें उसे प्लेस कर देना है। बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, रिकवरी रेशो, रिकवरी रेशियो तो देखा था एक बार, रुको, लेंथ के ऊपर होता बेटा, लेंथ रिकवर लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, ऐसे कुछ होता है रिकवरी रेशियो। एक बार रुक जाओ 2 मिनट, मैं देखता हूं। रिकवरी रेशियो लिखो, चलो रिकवरी रेशियो आ जाओ। रिकवरी रेशियो होता है लेंथ के रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में होता है। एक लिख दो, रिकवरी रेशियो LR लेंथ के रेस्पेक्ट में होता है। तो LR इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ रिकवर्ड लेंथ ऑफ सैंपल, रिकवर्ड लेंथ ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय दी पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ सैंपल। लेंथ ऑफ सैंपल इसे बोलते हैं रिकवरी रेशियो, ठीक है, LR। अगर LR की वैल्यू एक से ज्यादा है, अगर LR की वैल्यू एक से कम है, और अगर LR की वैल्यू है ना, अगर एक से ज्यादा है, बस दो ही है, अगर LR की वैल्यू एक से ज्यादा है तो गुड रिकवरी, अगर LR की वैल्यू एक से कम है तो सैंपल कंप्रेस्ड। सैंपल कंप्रेस्ड, और बताओ। ठीक है, हो गया, तो ये रिकवरी रेशो लिख दो। और कुछ मैं एडिशनल टॉपिक अगर चाहो तो बता देते हैं। लास्ट में लिखा है सैंपल कंप्रेस्ड, रिकवरी रेशो अगर ज्यादा है तो मतलब सैंपल क्या है, स्वेल हुआ है, स्वेल हुआ है, फूला है, एक से ज्यादा आ रहा है तो, एक से ज्यादा आ रहा है तो सॉइल जो है वो सैंपल फूला है। एक्सप्लोरेशन भी देखना तो बता दो, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देख लो, दो चार टॉपिक में आपको लिखाई देता हूं, ठीक है। एक्सप्लोरेशन फिर कहीं पढ़ोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ो तो यहां पे देख लो। यूनिट नंबर कौन सी हो गई, 17th या 16th, सॉइल
एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खुदाई। क्या करना होता है, वहाँ से सॉइल को एक्सप्लोर करना है, खुदाई करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इस सॉइल एक्सप्लोरेशन के अंदर, कि एक होती है प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, एक दूसरी स्टेज होती है सेकेंड। एक्सप्लोरेशन के लिए ऑगर बोरिंग होता है, वॉश बोरिंग होता है, ये जनरली हम पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा स्टेज वन और स्टेज टू। यहाँ पे दो स्टेज होती है, स्टेज वन होती है जिसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खुदाई करना वहां से, ठीक है, प्रिलिमिनरी स्टेज। इसमें क्या करते हैं, बोरिंग, इसमें क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, बोरिंग एंड बोर होल करते हैं, बोरिंग एंड डिटेल्ड सैम्पलिंग इज डन, एंड डिटेल्ड सैम्पलिंग इज डन। सबसे प्रिलिमिनरी होती है फर्स्ट स्टेज, जैसे प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, पहले जाके एक बार साइट देख के आनी होती है, प्रिलिमिनरी जिसको बोलते हैं रफ सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे। तो उसके अंदर बोरिंग एंड डिटेल सैंपलिंग इज डन करते हैं, जिसमें रिकॉनिसेंस करेंगे। अरे ये तो कहाँ, ये तो बाद में आएगा ना, पहले तो देख के आएंगे ना, तो रिकॉनिसेंस करेंगे, सिर्फ साइट को देख के आएंगे कि कैसी साइट है, रिकॉनिसेंस, रिकॉनिसेंस और जियोलॉजिकल स्टडी करेंगे उसकी, उस साइट की जियोलॉजिकल स्टडी करेंगे। दूसरी स्टेज में जाके हम उसका एक्सप्लोरेशन करेंगे, है ना। तो पहली में नहीं करेंगे, सेकंड में करते। पहली में तो अपन प्रिलिमिनरी लिखा, मतलब जाके क्या है, हमें देखना है कि किस तरह की साइड है, क्या उसके जियोलॉजिकल फीचर्स है ना, आसपास क्या क्या चीज़ें सिचुएटेड है। सेकंड में हम करते हैं डिटेल्ड सर्वे, डिटेल्ड स्टेज कहते हैं इसको, डिटेल्ड स्टेज। तो स्टेज नंबर वन और स्टेज नंबर सेकंड। इस डिटेल्ड स्टेज में बोरिंग करेंगे, इस डिटेल्ड स्टेज में क्या करते हैं हम, बोरिंग एंड डिटेल सैंपलिंग इज डन, बोरिंग एंड डिटेल्ड सैंपलिंग इज डन। तो एक्सप्लोरेशन में दो स्टेजेस, एक्सप्लोरेशन में दो स्टेजेस। पहले जो था प्रिलिमिनरी स्टेज, सबसे पहले जाके अपन जाके देखेंगे, और देखने मतलब हम रिकॉनिसेंस करेंगे वहाँ का, और वहाँ के जियोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे, क्या क्या चीज़ें उसके आसपास है, कौन सा रिवर है, कहाँ पे आपका पेड़ है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे माउंटेन है। और स्टेजेस, सेकंड स्टेज के डिटेल स्टेज जाके अपन बोरिंग कर देंगे वहाँ पे, वहाँ पे बोर होल कर देंगे, मतलब डिटेल स्टेज है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट, अब आते हैं इसमें मेथड्स ऑफ बोरिंग आता है, अपन को ये पूछ सकता है, और मेथड्स ऑफ बोरिंग, बोर होल जो करते हैं उसके मेथड। पहला लिखिएगा ऑगर बोरिंग, ऑगर बोरिंग, ऑगर बोरिंग में लिखिएगा फॉर स्मॉल डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन। किसके लिए होती है, फॉर स्मॉल डेप्थ ऑफ, स्मॉल डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन। स्मॉल डेप्थ पे करना है हमें, मतलब कुछ ही डेप्थ पे हमें को एक्सप्लोरेशन करना है, तो उसके लिए हम ऑगर बोरिंग का यूज करते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल शेलो फाउंडेशन, शेलो फाउंडेशन जब हम बनाते हैं उसके अंदर हम ऑगर बोरिंग का यूज करते हैं, ठीक है, शेलो फाउंडेशन। या बोल सकते हैं हाईवे, या बोल सकते हैं हम पिट, जो खड्डा खोदते हैं अपन उसके अंदर भी, तो बोरो, बोरो पिट जो खट्टा होते हैं मिट्टी निकालने के लिए, तो उसमें किसका यूज करते हैं, ऑगर बोरिंग के लिए, मतलब स्मॉल डेप्थ के लिए यूज करते हैं। इट इज जनरली यूज फॉर स्मॉल डेप्थ के लिए, हम इसे ऑगर बोरिंग का यूज करते हैं। किस किस सॉइल में की जाती है ऑगर बोरिंग, तो लिखिएगा डन इन पार्शली सैचुरेटेड, पार्शली सेचूरेटेड सॉइल के अंदर, ठीक है। अब वो सैंड हो, सिल्ट हो, कुछ भी हो, तो पार्शली सेचूरेटेड सॉइल के लिए की जाती है। इससे क्या होगा, हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल मिलेगा, हाईली डिस्टर्ब्ड सैंपल होगा, मतलब
अगर हमने ऑगर बोरिंग कर दिया तो वहां आसपास की सॉइल क्या हो जाएगी, पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वहां से जो सैंपल मिलेगा वो हाईली डिस्टर्ब सैंपल मिलेगा। कैसा मिलेगा? हाईली डिस्टर्ब सैंपल मिलेगा। तो ये लिख लो, भाई खुदाई किसके लिए करते हैं? अगर हमें फाउंडेशन बनानी है तो हम बोरिंग करेंगे, या उसका हमें सैंपल लेना है तो बोरिंग वोरिंग करेंगे आसपास से, अगर चीजें हटाएंगे। बैक क्या बेटा? यही तो है। हाँ, एक्सक्यूवेशन का मतलब होता है खुदाई करना, मिट्टी को खुदा खोदना वहां से। भाई ऑगर बोरिंग होता है, ऑगर होता है आपका एक ऐसे सुई जैसा होता है, कीली कीली जैसा होता है आपका, ये इस तरह से, ऐसे आप डायग्राम देखोगे ना कुछ इस तरह से होगा, ये उसके अंदर ड्रिल होगा, ये उसके अंदर ड्रिल होगा। तो ये क्या करेगा? घूमेगा। तो इसके लिए सॉइल पार्शली सैचुरेटेड होनी चाहिए। कैसी? पार्शली सैचुरेटेड होनी चाहिए। थर्ड पेज, 13th पेज, ये लो। हो गया? अब आते हैं अपन ऑगर बोरिंग। याद रखिएगा, स्मॉल डेप्थ के लिए होता है। शैलो फाउंडेशन में जो भी बोरिंग होती है, हाईवेज में होती है, वो सारी ऑगर बोरिंग होती है। ठीक है, अपने घरों में जितनी भी होती है, अपने घरों में कैसी बनती है सर? शैलो फाउंडेशन ही तो बनती है। हाईवेज के अंदर बोरो पिट, जैसे अगर हम बात करें, एक्सकेवेशन हम करते हैं, हमें घर की नींव जब खुदाई करते हैं, वो सब क्या एक तरह से वो ऑगर बोरिंग का हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल डेप्थ के लिए ऑगर बोरिंग का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में वॉश बोरिंग। ठीक है, सेकेंड जो है एक्सप्लोरेशन का मेथड है वॉश बोरिंग। वॉश बोरिंग नाम से समझ में आ रहा है, इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, उसके बाद फिर इसके अंदर से क्या करेंगे, उस मिट्टी को निकालेंगे। तो इसमें क्या लिखेगा? फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल एक्सेप्ट हार्ड एंड सीमेंटेनियस रॉक। फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल एक्सेप्ट हार्ड एंड सीमेंटेनियस रॉक। क्योंकि सर हार्ड रॉक है ना, एक्सेप्ट हार्ड एंड सीमेंटेनियस रॉक। अगर हार्ड रॉक होगा, तो हार्ड रॉक क्या है, पानी डालोगे उससे कोई मतलब ही नहीं है उस रॉक पे थे। ठीक है, हार्ड रॉक में कोई मतलब नहीं पानी डालने से। सीमेंटेनियस रॉक होगा, पानी डालोगे तो और क्या हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। सीमेंटेनियस रॉक होगा मतलब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी तो और स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो उनको छोड़ के जहां पे हार्ड रॉक या ग्रेवल या बोल्डर बड़े पत्थर है, उनको छोड़ के बाकी सभी जगह हम वॉश बोरिंग का काम लेंगे, जिसके अंदर स्लरी बना देते हैं, मतलब उस सॉइल के अंदर पानी डालते जाएंगे जिससे वो स्लरी बन जाएगी, उसकी प्लास्टिसिटी आ जाएगी, फिर वहां से अपन उसको निकाल देंगे, ठीक है। फिर लिखिएगा स्लरी इज प्रिपेयर्ड स्लरी क्या होता है? सॉइल प्लस वाटर मिक्स को बोलते हैं स्लरी। तो इसमें स्लरी बन जाएगी, लगातार एप्लीकेशन हम वाटर के अप्लाई करेंगे तो स्लरी बन जाएगी। ठीक है, फिर परक्यूशन बोरिंग। परक्यूशन बोरिंग की अगर बात करें, हाँ क्या बोले डायमीटर? अरे बेटा डायमीटर डिपेंड करता है, अब मैं बात कर रहा हूं ड्रिल। अब आप पूछोगे सर ड्रिल का डायमीटर? अरे ड्रिल में जो आपने पिन जो लिया है, निब जिसको बोलते हैं, ठीक है, बिट जो लिया, उस बिट का डायमीटर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो मेथड बता रहे हैं, ठीक है बेटा, ये मेथड बता रहे हैं। तो वॉश बोरिंग में वाटर की एप्लीकेशन होगा, लगातार पानी के एप्लीकेशन से। क्यों कर रहे हैं बोरिंग? अरे बोरिंग क्यों करते हैं? कोई मुझे पोस्ट इलेक्ट्रिक पोल मुझे वहां पे गाड़ना है, कोई मुझे सेल फाउंडेशन मुझे वहां पे एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है,
तो उसके लिए क्या करेंगे, बोरिंग करेंगे, या मुझे उसकी प्रॉपर्टी देखनी है सॉइल की, नीचे किस तरह का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, किस तरह की प्रॉपर्टी, तो मैं उसके अंदर बोरिंग करूंगा, तो पता करूंगा कि वहां का नेचुरल फीचर्स क्या है, नीचे सॉफ्ट सॉइल है तो कितने तक सॉफ्ट सॉइल है, उसके बाद हार्ड सॉइल आ रही है कि नहीं आ रही है, रॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा, रॉक आएगा तभी तो मैं एंड बियरिंग पाइल वहां पे बना पाऊंगा, नहीं आ रहा तो फिर तो वो एक्सप्लोरेशन का पार्ट है वो। तो परक्यूशन बोरिंग बेस्ट फॉर बोल्डर एंड ग्रेवली स्ट्रेटम। तो फिर ग्रेवल के लिए ये यूज नहीं होती वॉश, तो फिर कौन सी करते हैं सर हम, ये परक्यूशन बोरिंग किसके लिए होती है, ये बेस्ट फॉर बोल्डर, बोल्डर मतलब बोल्डर्स मतलब बड़े पत्थर, बोल्डर एंड ग्रेवली स्ट्रेटम, ग्रेवली स्ट्रेटा, स्ट्रेटा बोल दो या स्ट्रेटम बोल दो, बात एक ही है, ग्रेवली स्ट्रेटा या स्ट्रेटम, बोल्डर बड़े पत्थर रॉक ग्रेवल जहां पे है उस जगह में बोरिंग कौन सी की जाएगी, परक्यूशन बोरिंग की जाएगी। हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखा रहा हूं मैं आपको, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूं इसको, ठीक है, कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए एक्सप्लोरेशन वाला तो भी लिख देना। नहीं बस हो गया, स्ट्रेटम हार्ड स्ट्रेटा, स्ट्रेटा बोलते हैं सरफेस को, तो ग्रेवली सरफेस होगी या फिर आपकी बोल्डर्स होंगे, ग्रेवली सरफेस होगी या बोल्डर होगी, इसके लिए बेस्ट है परक्यूशन बोरिंग। लास्ट वाला लिखा है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम होता है सरफेस को बोलते हैं, ग्रेवली सरफेस लिख दो, जहां पे पत्थर ही पत्थर है, जहां पे बड़े बड़े भाटे हैं है ना, बोल्डर है, उस जगह बोरिंग कौन सी होगी, परक्यूशन बोरिंग होगी। और बताओ क्लियर, लास्ट देख लीजिए, लास्ट देख लीजिए, ये लो लास्ट देख लीजिए, रोटरी बोरिंग लास्ट है, रोटरी बोरिंग मोस्ट कॉमन बोरिंग है जो हमें हर टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो लिखिएगा ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एंड रॉक, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एंड रॉक, बस एक्सेप्ट कहां पे, एक्सेप्ट जहां पे पोरस या फीजर्ड टूटे हुए हो या पोरोस हो, वीक स्टोन्स हो, वहां पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो लिख दीजिएगा एक्सेप्ट इन स्टोन्स और पोरस सॉइल, पोरस कॉमा फीजर्ड रॉक, फीजर्ड मतलब जिसमें फीजर्स हो, टुकड़े दरारे हो, उसको बोलते हैं फीजर्स रॉक, ठीक है, तो ये हो गया आपका डन, जो कुछ आपको एडिशनल टॉपिक भी मैंने करा दिए, बाकी जो बच जाए ऐसा लगे जो एकाधिक बार कहीं पूछा गया है टॉपिक, वैसे तो 99% आपको हो चुका है, पर 1% प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कभी एक बार पूछा गया हो, ठीक है, तो वो हम अपन डिस्कस कर लेंगे कब अपने ग्रुप पे, ठीक है, और बताओ, तो ये सभी टाइप ऑफ सॉइल के लिए अपन रोटरी बोरिंग कर सकते हैं, तो याद रखिएगा ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए, परक्यूशन बोल्डर और ग्रेवल के लिए, वॉश बोरिंग ग्रेवल और बोल्डर को छोड़ के या सीमेंटिंग सॉइल को छोड़ के, ऑगर बोरिंग स्मॉल डेप्थ के लिए करते हैं। रिकवरी रेशियो समझ में नहीं आया आपके, रिकवरी रेशियो क्या होता है भाई, रिकवरी रेशियो का मतलब होता है कि कितनी रिकवर करी लेंथ सैंपल की, ठीक है, और पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ सैंपल, कितना पेनिट्रेशन किया, जब निकाला तो कितना फूल गया या कंप्रेस हो गया। अरे भाई जब आप सॉइल को निकालोगे, कभी आपने सैंपल लिया है कि नहीं लिया है, कभी सैंपल लिया है,
किसकी बात कर रहे हैं, कोर कटर पे भी कराया आपने, कोर कटर किया होगा तो आपने उसको पंच करते हैं, पंच करके जब निकाल देते तो क्या पूरा भरता है तो पूरा ही रह जाता है क्या? नहीं सर, वो थोड़ा कम हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो आप उसको पंच करते, पंच करके निकालते तो वो दिखता तो पूरा, जब निकालते तो कम हो जाता है, तो क्या हुआ, वो कंप्रेस हो गया, तो उसके लिए रिकवरी लेंथ क्या होगी? लेस देन वन होगी। फिजर मतलब होता है, जियोलॉजी पढ़ी है आपने, फिजर्स क्रैक होते हैं रॉक में प्रेजेंट, क्रैक को बोलते हैं फिजर्स। ठीक है, अब आ गया सुदीप समझ में? तो रिकवर्ड लेंथ ऑफ सैंपल और पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ सैंपल, भाई मैंने पूरा ये थी, ये इतना मैंने पेनिट्रेट किया एल लेंथ, पर जब हमने जब निकाला तो रिकवर लेंथ कितनी हुई? सर ये रह गई एल, ये रिकवर लेंथ है और ये आपकी पेनिट्रेशन लेंथ है, इनका रेशियो जो होगा वो क्या होगा? रिकवरी रेशियो होगा। अब बताओ डन। तो यहां पे अपन करते हैं ओवर, मिलते हैं आपसे, और कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट कभी हुआ तो उसमें लिए। डेफिनेशन ऑफ बोरिंग, बोरिंग का मतलब है टू मेकिंग अ बोर होल, टू बोर होल इन अ ग्राउंड इज नोन एज बोरिंग, बोर होल करते हैं ग्राउंड को उसको बोलते हैं बोरिंग। ठीक है, सिंबल वाले क्वेश्चंस बताए थे आपको, सिंबल वाले क्वेश्चन जो सारे दिलीप आपने जो बताए थे वो सारे क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करा दिए थे, सिंबल हो गया। और बताओ जो भी अब चीजें, अगर लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो वो मुझे सेंड कर देना, उसके बारे में डिटेल आपको दे दूंगा। बाकी यहाँ पे जितना कराए 99% जो चीजें हैं वो सारी कवर्ड है। एक दो क्या होता है एक्सेप्शन होते हैं कि वो ESC के क्वेश्चन डाल दिए तो उसको और अंदर पढ़ना पड़ेगा, उसका भी एक कोई पॉइंट डाल दिया तो उसको और अंदर पढ़ना पड़ेगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। स्टेट AEJEE लेवल में हमें उनकी जरूरत नहीं है, ये इतना जरूरत नहीं बेटा, पिस्टन हो गया स्प्लिट हो गया ये जरूरत नहीं है, वो वहां पे बस केवल लिख रखा होगा, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन आ गया होगा तो आ गया होगा। ठीक है, पर इतना जो है कि जितना पढ़ाया है स्टार्टिंग से लेके अभी तक 24 लेक्चर, अगर उतने ही अगर ढंग से पढ़ लिए तो चाहे SSC हो चाहे कोई भी स्टेट का AE हो कोई JEE हो, 95% क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, लेक्चर रहेगा आपका, इतना गारंटी है। आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी चाहे आपके पास कोई भी बुक हो उसका क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना क्वेश्चन बन रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, सब आपको क्लियर होगा। तो ऐसे एक्सेप्शन क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं और हर सब्जेक्ट में आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि केवल इसमें है, हर सब्जेक्ट में आएंगे, बस उस एक्सेप्शन क्वेश्चन को आपको उस टॉपिक में जोड़ देना है। क्लियर हुआ? तो पढ़ते रहना, कोई भी दिक्कत हो तो ग्रुप पे पोस्ट कर देना क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट वन टू थ्री, नेक्स्ट सेकंड वन टू थ्री, नेक्स्ट थर्ड। तो भाई क्वेश्चन लगाएगा जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं क्वेश्चन लगाइएगा तो ही काम बनेगा। एक्सप्लोरेशन को बोलते हैं टू रिमूव द सॉइल मास फ्रॉम द अर्थ सरफेस नोन एज एक्सप्लोरेशन। वन टू थ्री, नेक्स्ट फोर्थ। वन टू थ्री, नेक्स्ट। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कल परसों, वो क्वेश्चन कौन सा था? शील्ड्स थ्योरी का क्वेश्चन था। अब वो डाल दिया सॉइल में शील्ड्स थ्योरी ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन, ये है आपका इरिगेशन का क्वेश्चन है वो शील्ड्स थ्योरी वाला। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, वैसे तो 99% नहीं होगा, पर अगर फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन मिल जाए तो पहले उसको देखो कि वो क्वेश्चन कहाँ आएगा, इस टॉपिक में आता है कि नहीं आता, इस सब्जेक्ट का है या नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट का तो नहीं है, उसके बाद देखना है ना। वन टू थ्री, नेक्स्ट सिक्स्थ। वन टू थ्री, नेक्स्ट सेवन्थ। तो घबराया मत करिए, ओके, अपने को घबराना नहीं है, जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लो, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट वन टू थ्री, नेक्स्ट एट्थ। बिल्कुल, सभी को थैंक यू।
नेक्स्ट नाइन्थ, नेक्स्ट शायरी सुनाएंगे, रुको, नेक्स्ट टेंथ, नेक्स्ट इलेवेंथ, नेक्स्ट ट्वेल्थ, नेक्स्ट थर्टीन, नेक्स्ट फोर्टीन, नेक्स्ट फिफ्टीन। स्टेबिलिटी के बाद में जितने भी टॉपिक है, सारे एडिशनल टॉपिक्स हैं, ये सारे एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए, रेगुलर टॉपिक नहीं है ये। स्टेबिलिटी तक जितने भी टॉपिक है सब रेगुलर टॉपिक है, उसके बाद सब एडिशनल टॉपिक है, तो कभी ना कभी पूछा गया है, ठीक है। और अगर बात करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस नोट्स में से, चाहे जो बुक लगा लेना, जो भी आपके पास हो किसी भी ऑथर की, इतनी है कि अगर अगर आपने सही ढंग से उसको पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, चीजों को लिंक आप करना सीख पा रहे हो, तो आपके कितने 95 प्लस क्वेश्चन बनेंगे ये आप देख लीजिएगा। बस क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। एक बार में बन जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीजें हम भूल जाते हैं, ठीक है। और बन भी रहे होंगे, और कौन सा थर्ड और फिफ्थ, बन भी रहे होंगे, आपने बना रहे होंगे क्वेश्चन। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन लगाना है, समझ में भी आ रहा होगा। चलो थर्ड, वन टू थ्री, और ये फिफ्थ। ठीक है, चलिए। और स्टेट की अगर बात करूं, अगर स्टेट जाएगा किसी का एग्जाम दे रहे हो, कोई अगर आप बीपीएससी या उधर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का दे रहे हो, चाहे यूपी के हो आप, चाहे राजस्थान के हो, स्टेट के, तो ये मैं कहूंगा कि 100 के 100% क्वेश्चन बन ही जाएंगे, 100 के 100, क्योंकि एसएससी में तो क्या थोड़ा कंसेप्चुअल डाल देते हैं, चीजें वही रहेंगी, सारी चीजें वही है, बन तो उसमें भी 100% जाएंगे, पर उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी आपको, और स्टेट के एग्जाम में डायरेक्टली नोट से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ये कह रहे हैं। फर्क इतना है, जैसे अगर प्रीवियस ईयर एसएससी का पेपर देखोगे तो सीरीज 10th वगैरह के चैप्टर पे क्वेश्चन थे, और न्यूमेरिकल थे थोड़ा सा, तो वो थोड़े लेंथी बोल सकते हैं, बाकी थे वही सीरीज 10th वही फॉर्मूला है। बट अगर स्टेट की बात करोगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन आपके उसके अंदर आ जाएंगे, कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको अगर आपने सही पढ़ रखा है तो बहुत हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट। अरे यार अभी तक स्क्रीनशॉट ही नहीं हुआ क्या? वन टू थ्री, थर्टीन, लो, वन टू थ्री, फोर्टीन्थ, वन टू थ्री, और फिफ्टीन, वन टू थ्री। अरे ये आपके पास है ना, ये वीडियो रिकॉर्ड है ना, आप तो आराम से वहां से आप उसको देख लीजिएगा दोबारा से, आप इस इन्वायरमेंट पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रुको एक मिनट, तो क्वेश्चन लगाते रहना, कोई डाउट हो तो अपने पास है चीजें, आप वहां पे मैसेज कर देना, तो कोई भी अपने को क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और वैसे वहां पे इतने बच्चे हैं तो वो कोई ना कोई आंसर दे ही देगा, तो उसमें आपको परेशान ना होना है। इसको रिवाइज करते रहना, इसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि सॉइल बहुत बड़ी है, सॉइल बहुत बड़ी है, रिविजन बहुत जरूरी है, बिना रिविजन काम नहीं चलेगा, बिना रिवीजन काम नहीं चलेगा। तो आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, आपने भी कंसिस्टेंसी बनाई। अब जो बच्चे क्या हैं कि 10 दिन आए, 2 दिन नहीं आए, फिर 3 दिन आए, 5 दिन नहीं आए, अब उनसे अगर क्वेश्चन ना बने तो उनका अपन कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, तो यहीं पे अपन खत्म करें आज का सेशन। गुरु मंत्र तो बेटा यही है, एक ही गुरु मंत्र है, चाहे कोई सा सब्जेक्ट पढ़ लो, क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे तब तक उसमें क्लियरिटी आपको नहीं आएगी। जिस दिन क्वेश्चन लगाने लग जाओगे उस दिन अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। सारे लेक्चर लाइव पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया बात है, उससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि नोट्स तो मैंने अगर बात करूँ तो एनवायरनमेंट के आपको फॉरवर्ड भी कर दिए, तो उस फॉरवर्ड वाले नोट से आप इतनी क्लियरिटी नहीं आ पाएगी जितना जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आएगी, ठीक है। हाँ सुदीप आपने भी लाइव, वेरी गुड।
अरे आप ही के लिए ढूंढ रहा हूँ कुछ मिल जाए तो। रखा तो है बहुत कुछ, रुको एक बार। देखो सुनो फिर आ जाओ, इन्वायरमेंट पढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप पे नहीं आया बेटा नदीम, व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, वो ग्रुप जो है ना टेलीग्राम वहाँ भेज रखा है, वो फाइल बड़ी बड़ी है कुछ ऐसा होगा। ठीक है सुनो, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसे बदलने की, जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। क्लियर हुआ? सही समय का इंतजार मत करो, सही समय का इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो, जितना तुम सोचते हो, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे निकल रही है, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे निकल रही है। तो समय का इंतजार मत करो। ये क्वेश्चन अब मैं लगाऊंगा क्या सर, एक बार मैं रिवाइज कर लूं? नहीं, आज ही लगाना है, जो पढ़ लिए क्वेश्चन लगा दो, आज चैप्टर पढ़ा उस पे क्वेश्चन लगा दो, पीछे का रह गया जाने दो, जो है अभी वो, पीछे के चक्कर में रहोगे तो आगे वाला भी छूट जाएगा। ठीक है? ठीक है, नदियों की तरह बहते रहो, चट्टाने अपने आप कट जाएंगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नदियों की तरह बहते रहो, चट्टाने अपने आप कट जाएंगी। तो पढ़ते रहो, रुकना नहीं है, पढ़ते रहो, रुकना नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया बस अब। तो कोई बच्चे कह रहे ना कि सर हम, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा सर, हमने एक दो बार एग्जाम दे दिए, अब कैसे क्या होगा सिलेक्शन, है ना, कैसे क्या होगा सिलेक्शन? तो उनके लिए जो अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं, वो देर से ही सही पर मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जो अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं, वो देर से ही सही पर मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। तो अपनी मेहनत पर यकीन रखो, लगे रहो, क्या दिक्कत है? एक में नहीं हुआ दूसरी बार हो जाएगा, दूसरे में नहीं होगा तीसरी बार हो जाएगा, जिस दिन हार मान ली उस दिन नहीं होगा, बस जिस दिन हार मान ली उस दिन नहीं होगा। देखो जो बच्चे बाहर रहते हैं, जो बच्चे रूम वूम लेके रह रहे हैं, पटना रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है, ठीक है, जब दो दूर रह रहे हैं अपने घरों से, उनके लिए जो किराए में, जो किराए के कमरे में बैठकर, क्या, या आप ही के लिए बात कर ले कि मैं किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूं, मैं किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूं, कितनी सुंदर होगी वो दीवारें ये सोचकर नींदे गवा रहा हूं, कितनी सुंदर होगी वो दीवारें ये सोचकर नींदे गवा रहा हूं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आप भी बाहर जाते हैं, सब बाहर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, आगे फ्यूचर का देख रहे हैं। उसी के लिए था ये कि मैं किराए के कमरे में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूं, कितनी सुंदर होगी वो दीवारें, वो दीवारें ये सोचकर नींदे गवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत हार्ड, चलो गुड बाय, बहुत हो गया ये, फिर मिलते हैं अपन। ठीक है, फिर अपन मिलेंगे कभी, कभी पटना आए तब मिलेंगे अपन। ठीक है, फिर वहाँ बैठ के बात करेंगे आराम से, इन्वायरमेंट अगर आया तो आपको इन्वायरमेंट पढ़ा देंगे, बाकी जितना पढ़ा दिया है इस नोट्स को रिवाइज कर लेना, 2 से 3 बार क्वेश्चन लगा देना और गेम बन जाएगा, एग्जाम में 10 में से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये गारंटी लेता हूँ मैं आपसे। ठीक है, 10 भी बन जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा रिलेट कर रखा है, नहीं तो अगर हल्का फुल्का भी नोट्स को पढ़ के क्वेश्चन लगा लिया तो 9 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, अगर 90% क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में बना ले जाओगे तो इतना तो टॉपर के भी नहीं आते, 80 नंबर आते, मैंने बता दिया 80-82 के आसपास मैक्सिमम नंबर है 100 में से SSC के अंदर, टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, फिर मिलते हैं अपन।